ये हमारा माइक भी थोड़ा सा ढीला ही है, है ना उतरता रहता है चलो. Anyway, so कल मैंने उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था सेम बे बाकी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास के टाइमिंग हमारे फिक्स हैं दैट इज 6:15 कितने बजे का टाइम होता है हमारी स्पेशल क्लास का 6:15 का टाइम है देख पा रहे हैं सब बच्चे एवरीवन कैन सी ओके ओके यस हाय गाइस हाय 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 एवरीवन वन बायो एंड बायो इज वेरी इजी चैप्टर इफ़ यू बिलोंग टू क्लास ट्वेल्थ और इफ़ यू आर ड्रॉपर देन आपको तो बहुत आसान लगता होगा क्योंकि केमिस्ट्री में यही बायोमोलिक्यूल्स तो आपने पढ़ा है अब इसकी हमने बायोलॉजी करनी है ज़्यादा केमिस्ट्री में घुसने नहीं है बिल्कुल ऊपर से जितना हमारी एनसीआरटी बोलती है जितना हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं जितना हमारी जितना हमारी बायोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड है उतने मॉलिक्यूल्स, उतने बायो मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में एवरीवन इज रेडी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून खाना वाना खा के हो ना क्योंकि आज बच्चों आज तुमसे भी मेहनत करानी है आज मैंने तुमसे भी सारी फिगर्स सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कराने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिबो का स्ट्रक्चर सो इस सारी मेहनत आज तुम भी मेरे साथ करोगे तो प्लीज पहले कॉपी पेन लेकर बैठिए यस बच्चों क्या लेकर बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठेंगे सब बच्चे एंड उस कॉपी पेन पर मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे तभी आएगा यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर नोट्स अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओ बच्चों है ना जैसे मैम भी आप देख ही रहे हैं मंथन में एवरी वन इज राइटिंग जॉटिंग डाउन विद योर हैंड्स ऑन द बोर्ड वाई बिकॉज तुम लोगों को स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, है ना पीपीटी से पढ़ने में समझ नहीं आ रहा कि मैम किसको अंडरलाइन करे किसको एनसीआरटी में डाले तो भाई ठीक है तुम्हारी सारी एनसीआरटी यहां पर तुम्हारे सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पर यस yes, बच्चों यस yes, ठीक है चेन में प्रॉब्लम आते आयुष तिवारी इस लेक्चर के बाद तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी बीट इट चेन बी इट रिंग एल्फाइन है आप इस सेशन में पहली बार आए हो इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ दिस चैनल फटाफट से चैनल को क्या लो? कर लो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस चैनल की अमेजिंग टीम देख रहे हो तो ये अमेजिंग

मास्टर्स कर रखा है देन बी भी कर रखा है गेट क्वालिफाइड एंड आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड सेवन इयर्स ऑफ मेंटरिंग नीट एस्पिरेंट्स ओनली और कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैम का है ना मैम ने किसी कंपनी शंपनी में काम नहीं किया हुआ है कंप्यूटर वाला कोई काम नहीं किया हुआ है हमने सिर्फ देसी पढ़ाई वाला काम किया हुआ है पढ़ा है और पढ़ाया है पढ़ा है और पढ़ाया है आज भी पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं so, जैसा कि मैंने आपको बताया नाउ दिस चैनल हैज गॉट ए न्यू फेस इट इज टोटली चेंज नाउ अब ये चैनल बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेगा और ये रुकेगा नहीं यस बच्चों इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ जब तक हम आपको मेडिकल कॉलेज तक नहीं छोड़ के आएंगे क्यों रोके है ना तो चैनल को क्या कर लो सब्सक्राइब एक ही बारी बटन दबाना है दो बारी नहीं दबाना दो बारी दबाने से अनसब्सक्राइब हो जाता है तो सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के साथ ना एक ये स्कूल वाली बेल भी है उस बेल से आपको पता चलता है कि पीरियड चेंज हो गया है ना तो बेल जब दबा लोगे तो आपको मैसेज आएगा कि भाई पीरियड चेंज हो गया पहला बॉटनी का था अब जोअलॉजी का पीरियड हो गया है यस बच्चों ठीक है चलिए आ जाइए कर लिया सबने सब्सक्राइब है ना यस प्लस पीडीएफ जो आप मांगते हो कि मैम सेशन में हैंड रिटन नोट्स हैं फ्रॉम वेयर आर वी गोइंग टू गेट द पीडीएफ सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द पीडीएफ वी आर ब्रिंगिंग न्यू टेलीग्राम चैनल दैट इज टी डॉट मी स्लैश अन स्कोर ऑफिशियल इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो टाइप करने में भी कोई आफत नहीं आएगी बहुत आसान है टी डॉट मी तो तुम्हें पता ही है स्लैश अन अकेडमी नीट हमारे चैनल का नाम है अंडर स्कोर नाउ दिस इज द ऑफिशियल वन ठीक है तो अंडर स्कोर ऑफिशियल लगा लेना और पहुंच जाना यहीं पर सारी पीडीएफ

ये सारी चीजें बच्चों आप अवेल कर सकते हो ठीक है और बच्चे पूछते हैं कि मैम वाई प्लस वाई नॉट यू ट्यूब यू पे नो डाउट यू विल गेट ऑल द थ्योरी बट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर पे यू नॉट बी एबल टू आस्क एनी थिंग अगेन कि मैम ये चीज दोबारा समझा दो इस तरीके से समझाओ क्योंकि प्लस में ना एक लाइव इंटरेक्शन होता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है मिसिंग है तो मुझे लगता है कि अब नीट जैसे दो बार होने वाला है छह महीने आपके पास बचे हैं तो छह महीने के लिए डेफिनेटली बच्चों आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए है ना रिस्क नहीं लेना चाहिए एंड ये सब चीजें क्या है आपके करियर के लिए दीज आर जस्ट इन्वेस्टमेंट जब हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस नहीं मिलता तो बच्चे क्या करते हैं लैक्स ऑफ रुपीज पे करके प्राइवेट में इन्वेस्ट करते हैं है ना प्राइवेट कॉलेज में और एवरी ईयर उनको देना पड़ता है तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट से सस्ती इन्वेस्टमेंट ये होने वाली है बाकी आप लोग कुछ समझदार हो और बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि मैं मैम आपका प्लस कोर्स कहां पर है आप क्यों नहीं दिख रही हो इसमें क्योंकि बच्चों मैम का प्लस कोर्स इज इन माय प्रोफाइल ओनली ठीक है आपको यहां पर चाहे दिखे चाहे ना दिखे लेकिन याद रख लेना मैम इज अ प्लस एजुकेटर मेरा प्लस कोर्स आपको मेरी प्रोफाइल में जाकर मिल जाएगा एंड इट इज अप एंड रनिंग आज शाम को भी उसकी क्लास होने वाली है, है ना यस मंथन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुरभि ने चालू करने से पहले मंथन के बारे में बात कर मंथन मंथन इज टाइप ऑफ ऑफ डिटेल्ड क्रैश कोर्स वेयर यू आर गेटिंग हैंड रिटन द बेस्ट टीचर्स बच्चों की आपकी तैयारी हम करा रहे हैं स्पेशल क्लास में भी थर्ड थिंग बच्चों मंथन की आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी एवरी संडे होगी टाइमिंग्स होंगे टू टू फाइव फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मंथन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ठीक है ठीक है सुरभि अरोड़ा जी चलिए स्टार्ट करते हैं अश्विनी ठाकुर यार तुम पढ़ने पे ध्यान दो ना कैमरा वैमरा सब सही है एवरीथिंग इज फाइन चलिए आगे चलते हैं सो स्टार्ट कर देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो एनसीआरटी का भी क्वेश्चन है तुम लोगों से क्या है बच्चों एनसीआरटी का भी क्वेश्चन है तुम लोगों से कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सब बच्चे ध्यान से सुनना और मुझे येस और नो में आंसर चाहिए मैं यहां क्वेश्चन लिख रही हूं द क्वेश्चन इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू कर रहे हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है चैप्टर का है ना आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स कम ऑन आंसर मीन येस और नो र ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडअप ऑफ सिल्वर सिमिलर एलिमेंट्स एलिमेंट्स हां बताइए और में आंसर बताइए अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स केमिकल्स यस और नो ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है यह सवाल एनसीईआरटी का भी है हां जी बताओ आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं तुम पक्षी प्लांट फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ये सब चीजें सिमिलर टाइप के केमिकल से बनी है सिमिलर टाइप केमिकल से बनी है, है लिविंग ऑर्गेनिज्म हम तो बने हैं सोरे सुपीरियर एलिमेंट से और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है मैम वो बने हैं थोड़े इनफीरियर एलिमेंट से तो पता लगा लेते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे इस सवाल का आंसर निकालेंगे और क्या करेंगे इसको एनालाइज करेंगे तो मुझे पता लगाना है कि क्या हमारे में और अगर कोई नॉन लिविंग चीज है उसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं या फिर नहीं है तो मैं एक जगह ले लेती हूं लिविंग टिश्यू दूसरी जगह ले लेती हूँ नॉन लिविंग टिश्यू नॉन लिविंग सब्सटेंस ले लेते हैं तो एक जगह हम स्टडी करते हैं लेटेस्ट स्टडी आईदर प्लांट और एनिमल और वी आर गोइंग टू स्टडी दंजाई ठीक है दूसरी जगह नॉन लिविंग में बताओ भाई सिमिलर एलिमेंट्स या फिर कौन से एलिमेंट्स है पता लगाते सो so यहां पे हमने ले लिया पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट पीस ठीक लिखा बच्चों पीस ठीक लिखा सही लिखा पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट दो चीजें लिए हैं दो चीजें एनालाइज कर रहे हैं या तो लिविंग टिश्यू में देखते हैं या फिर हम नॉन लिविंग चीज में देखते हैं पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट में देखते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जब हमने लिविंग टिश्यू को खंगाला टेस्ट किए केमिस्ट्री लैब में लेकर गए उनको अच्छे से देखा कि भाई क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारे अंदर रॉ मटेरियल क्या है तो निकल के आया बच्चों कार्बन है हमारे में और क्या निकल के आया बच्चों हाइड्रोजन है हमारे में और क्या निकल के आया हमारे पास ऑक्सीजन है एंड सेवरल अदर्स ठीक है तो ये तो बात हो गई हमारे लिविंग जीव जंतुओं की कि इनके पास क्या प्रेजेंट है सी एच और ओ अब बात करते हैं बच्चों पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इसको जब हमने एनालाइज किया तो क्या निकला इसमें भी कार्बन निकला तो क्या अंतर दोनों में और एनालाइज किया बच्चों इसमें भी हाइड्रोजन निकला और क्या निकला इसमें भी ऑक्सीजन निकला तो भाई कौन सुपीरियर कौन इनफीरियर तो कैसे पता लगाएं कि क्या अंतर है दोनों में देखो एलिमेंट्स तो सेम है लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी देन वट इज द एक्चुअल डिफरेंस डिफरेंस है बच्चों का किसका डिफरेंस है अबंडेंस का जो हम इस डब्बे में लिख लेते हैं किसका अबंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली तो जब हमने पता लगाया दोनों को कंपेयर किया देन अबंडेंस अबंडेंस ऑफ ऑफ सी एच इज़ मोर इन क्या लगता है बताओ इज मोर इन तुम दोनों में से चूज करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कार्बन और हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होगा लिविंग में या फिर नॉन लिविंग में कमॉन कमॉन यस डॉक्टर ब्लू आइज बताइए बिल्कुल बिल्कुल अंकित आ रहा है तभी यहां पर इसे dot, 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 डाल दिया। क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये ऑन द बेसिस ऑफ द अबंड कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इज मोर इन क्या लगता है किसमें ज्यादा होगी किसमें ज्यादा होगी बच्चों दी अर्थ क्रचोल के देखा आपने अर्थक्रच को और बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं मेरे पास हैं सुरभि ममता उमेश सूरज हिमांशी अभिनाव शाहबाज विथ द राइट आंसर देखो अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मोर इन इट इज मोर इन बच्चों लिविंग टिश्यू किसमें ज्यादा है लिविंग टिश्यू में इनकी अबंडेंस क्या है ज्यादा है सो so,

कि लिविंग में C और एच क्या होंगे ज्यादा होंगे कंपेयर कर लेते हैं ये आपका हाइड्रोजन ये आपका कार्बन लिविंग में हाइड्रोजन कितना है पॉइंट फाइव क्रस्ट में देख लो पॉइंट वन फोर हम जीत गए है ना देन कार्बन कार्बन लिविंग में कितना है एट पॉइंट फाइव में कितना है 0.03 फिर से हम जीत गए दोबारा देखते हैं ऑक्सीजन भी देख लेते हैं लिविंग में कितना है बच्चों 65 और अर्थ क्रस्ट में कितना है 46.6 फिर से क्या हुआ हम ही हम हैं है ना हम जीत रहे हैं यस बच्चों सो यहां से जो हमने वहां पर कंक्लूजन निकाला था दैट इज क्लियर दैट इज बच्चों बिल्कुल बिल्कुल पंकज चलिए आ जाइए सो कंपैरिजन बिटवीन नॉन लिविंग लिविंग एंड आपको ऐसा सवाल आ सकता है आपको फिगर याद नहीं करनी है is, कि कि किस में क्या चीज है आपकी सी एच और ओ मेन है ये तीनों लिविंग में क्या है ज्यादा है और क्रस्ट में क्या है कम है पहला पॉइंट हमारा बायोमोलिक्यूल्स का हो चुका है डन दूसरा पॉइंट कि हमने जान लिया कि भाई क्या है हमारे लिविंग बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में लेकिन एनालाइज कैसे करोगे कैसे पता लगाओगे कि कौन कौन सा केमिकल है सी एच और ओ ऐसे हवा में तो प्रेजेंट नहीं है कोई ना कोई कंपाउंड तो बनाता है सो हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज दैट कंपाउंड सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी बच्चों हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन कि तुम्हारे अंदर कितना ऑर्गेनिक है कितना इनऑर्गेनिक है ठीक है रासायनिक संगठन के विश्लेषण कैसे करें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रसायनिक माने केमिकल है ना केमिकल कंपोजिशन देखनी है केमिकल कंपोजिशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल्स की यस फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैशटैग कौन सा हैशटैग यूज करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिकल्स का मुझे पता लगाना है कि हमारी बॉडी में लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे उसके बाद हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे तो कोई भी मुझे लिविंग टिश्यू बताओ बताओ तुम्हारे कौन से टिश्यू को एनालाइज करें हां जी कोई एक टिश्यू का नाम बता दो यस रिया कुमारी किलर जैक डॉक्टर ब्लू आइज फ्यूचर डॉक्टर लिली गौर हाँ जी कोई एक टिश्यू का नाम ले दो जिसको तुम चाहते हो कि मैम मेरे टिश्यू में से इसमें खोल के बताओ कि क्या क्या प्रेजेंट है बताइए 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 हां प्रकाश कुमार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यस कोई एक टिश्यू कि मैम मेरा टिश्यू काट के ले लो और इसको एनालाइज कर लो यस कॉकरोच तुम्हारा टिश्यू थोड़ा है तुम्हारे में से कुछ मांगा है कोई ऑर्गन दो कोई टिश्यू दो है ना तो सप्रिया ने क्या दिया है हमें लिवर ठीक है चीक सेल्स भी दे रहे हैं कुछ बच्चे देखो जो चीज दे रहे हो वापस नहीं मिलेगी अब तुम सोच लो लिवर के बिना सरवाइव कर सकते हो कि नहीं गोल ब्लैडर देते तो हम सर्वाइव कर भी लेते तुमने क्या दे दिया आकर लिवर चलो अब दे दिया तो उसे यूज उस कर लेते हैं so, सो हमने कैसे करना है ऑर्गेनिक कॉम्पोनेट में कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे लेट अस टेक अ लिविंग टिश्यू दैट इज ठीक है पहला कौन सा ले लेते हैं लिवर एक प्लांट का भी उठा लो प्लांट का कोई भी वेजिटेबल ले लेते हैं ठीक है ये हमने इस टिश्यू को क्या करना है इसमें देखने हैं कि कौन से ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं तो सबसे पहले इस टिश्यू को मिक्स करेंगे एक और केमिकल के साथ दैट इज एसिटिक एसिड साथ साथ बोलो मेरे क्या है उस लिविंग टिश्यू का नाम द लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरो लिख दो अब इसका फॉर्मूला सी एल थ्री सी सीओ एच ठीक है लिविंग टिश्यू को आपने मिक्स कर दिया एसिड के साथ और फिर आपके पास क्या मिला एक मिक्सचर मिला क्या मिला बच्चों यहां पर एक मिक्सचर मिला जो भी मिला अब इस मिक्सचर को क्या कर दोगे बच्चों अब इस मिक्सचर को तुम आके कूट दोगे वो तो नहीं है मोटार एंड पेस्टल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे करके जब हम चाय बनाते हैं तो तुम्हारी अदरक और इलायची है ना उसको हम कूटने बैठते हैं फिर जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो अदरक लहसन को क्या करते हैं कूटने बैठते हैं तो अब तुम्हें क्या करना है ये जो लिविंग टिश्यू लिया है साथ ही में क्या मिक्स किया एसिड उस मिक्सचर को क्या करना है तुम्हें ग्राइंड करना है क्या करना है ग्राइंड करना है ग्राइंड कर लिया ग्राइंड करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगी बहुत ही थिक स्लरी क्या मिलेगी बहुत ही थिक स्लरी देखो अगर तुम्हारे पास मिक्सी नहीं है तभी तुम इसका यूज करोगे मोटार और पेस्टल का बाकी यू कैन परफॉर्म दिस ग्राइंडिंग इन ग्राइंडर और केमिस्ट्री लैब में हम ग्राइंडर को बोलते हैं अ काइंड ऑफ सेंट्रिफिकेशन मशीन ठीक है सो मिक्सचर kind of so, को हमने क्या कर लिया ग्राइंड ग्राइंड करने के बाद हमारे पास क्या आ गई है स्लरी अब जो हमारे पास पेस्ट आया है स्लरी आया है उसको क्या कर लोगे छान लोगे यस yes. फिल्ट ऑफ दिसरी रही तुम्हारी छन्नी बच्चों क्या बना दी है मैंने यहां पर छन्नी बना दी है तो नाउ यू विल पुट दिसरी इन टू दिस छन्नी ये छन्नी हमने कैसे बनाई इट्स अ सिंपल मसलिन क्लोथ है ना कॉटन का क्लोथ है सिंपल सा क्लोथ है हमने चीज क्लॉथ जिसको बोलते हैं जिसमें हम छानते हैं अब ये भी Everything lies लाइज इन योर किचन किचन में जब तुम काम करते हो जब हम दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं किसने देखा हुआ है यस दूध को दूध में जब हम नींबू डालते हैं तो क्या बन जाता है पनीर बन जाता है तो पनीर का जो पानी है वो हमें पनीर से सेपरेट करना होता है तो वट वी डू हम एक चीज क्लॉथ लेते हैं है ना छान देते हैं ऊपर हमारा पनीर रह जाता है सारा नीचे फ्लूड नीचे चला जाएगा सो सेम वे यू हैव टेकन अ चीज क्लॉथ है ठीक है क्या ले लिया बच्चों एक चीज क्लॉथ ले लिया और इस स्लरी को क्या किया के लिए रख दिया अब जो चीजें जो चीजें माय डियर स्टूडेंट्स यहां से क्रॉस करके नीचे आ गई मतलब जो चीजें फिल्टर हो गई उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे फिल्टरेट क्या बोल दोगे बच्चों इसको दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सब बच्चे बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट है ना क्योंकि ये फिल्टर हो गया स्लरी में से अब जो चीजें बड़ी-बड़ी थी भाई चीज क्लॉथ का पोर्ट साइज इतना नहीं था ऊपर की ऊपर ही रह गई उस सब्सटेंस को क्या बोल दोगे उस सब्सटेंस को बच्चे क्या बोल दोगे रिटेंटेट क्या बोलोगे बच्चों इसको रिटेंटेट सो so, दो फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे आफ्टर फिल्टरिंग दिस ग्राइंडेड मिक्सचर वन इन द ऑन द लोअर साइड जो फिल्टर हो गया जिसको आप बोलोगे फिल्टरेट और एक रह गया ऊपर उसको आप क्या बोल दोगे retentate. अब सोच के बताना बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो यहां पर दिमाग आप ये लगाइए कि और रिटेंटेट में से किसका साइज छोटा होगा एवरीवन सबके लिए ओपन सवाल है ओपन सवाल फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में से किसका साइज क्या होगा छोटा होगा हां जी बताइए कमन कमन साइज छोटा होगा जो फिल्ट्रेट में आए उनका साइज छोटा है या फिर जो रिटेंटेट में रह गए उनका साइज छोटा है बताइए कम ऑन कम ऑन नहीं वशिष्ठ आज नहीं है आज नहीं है हाँ जी बताइए कल होगी यस yes? किसका साइज छोटा है छोटा है बच्चों छोटा वो होगा जो आसानी से पोर साइज पोर्स में से क्रॉस हो गया जो बड़ा है वो तो ऊपर रह गया है ना जो बड़ा है वो तो ऊपर रह गया जो छोटे छोटे थे वो क्रॉस होकर नीचे आ गए तो यहां पे बच्चों प्रूव हो गया कि फिल्ट्रेट का फिल्ट्रेट का जो साइज होगा वो छोटा होगा एंड दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन क्या बोलोगे इस फिल्ट्रेट को बच्चों कहां गए कहा गए बच्चों हम वापस चलते हैं हमारा लिखा हुआ क्या गायब हो गया ऐसा नहीं हां नहीं हुआ यस दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज एसिड सॉलिबल एसिड सॉलिबल फ्रैक्शन वाइल दिस रिटेंटेट पार्ट रिटेंटेट को क्या बोलोगे तुम एसिड इनसॉलिबल फ्रैक्शन क्या बोलोगे इसको दिस इज एसिड इनसॉलिबल तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो ऊपर रह जाएंगी द फ्रैक्शन वुड बी कॉल्ड एज एसिड इनसॉलिबल जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी दैट फ्रैक्शन वुड बी कॉल्ड एज एसिड सोलिबल लेट एस नाउ डिफ्रेंशिएट एसिड सोलेबल एंड एसिड इनसॉलेबल आ जाओ अब इनको अलग अलग कर देते हैं किसको अलग अलग करना है हमने अलग अलग कर देते हैं ठीक है किसको एसिड सोलेबल और एसिड इन सोलबल इधर लिखते हैं हम एसिड सोलिबल जिसका दूसरा नाम क्या था नीचे आया था फिल्टर हुआ था दैट इज कॉल्ड एज फिल्टरेट ठीक है इधर लिखेंगे एसिड इनसॉलिबल ठीक है जिसका दूसरा नाम बताओ बच्चों दूसरा नाम क्या था तुम्हारा भी तो दूसरा नाम होता है है ना जो जिसका बहुत बड़ा नाम है घर में नाम होते हैं मोन्टू शू राजू रिंकू ये सब क्या है तुम्हारे दूसरे नाम है तो इसका भी तो कोई दूसरा नाम होगा एसिड इन सोलबल का दूसरा नाम क्या लिखा था रिटेंटेड ठीक है रिटेंटेड फ्रैक्शन ठीक है एसिड सोलबल में पहली चीज पहली चीज बचो फिल्टर कौन हुआ बहुत जनरल जनरल चीजें लिखते हैं इनके बारे में दे विल गेट फिल्टर्ड है ना ये क्लॉथ में से पास हो गए दे विल गेट फिल्टर्ड और ये वाला क्या रह गया बच्चों ठीक है अब तुमने खुद बताया था कि मैम एसिड सॉल्युबल का साइज क्या रखते हैं हम छोटा रखते हैं तभी वो नीचे गया है, है ना अब साइज कितना छोटा रखे द साइज देयर साइज रेंज फ्रॉम 18 टू 800 हंड्रेड डाल्टन याद रखना है एनसीआरटी ने दिया हुआ है द साइज ऑफ एसिड इट फ्रैक्शन रेंज इज फ्रॉम 18 टू 800 हंड्रेड डेल्टन मतलब साइज इसका मर धड़के एक हजार से कम ही होगा सो लेस देन वन थाउजेंड डेल्टन ठीक है साइज क्या होगा कम ही होगा लेस देन वन थाउजेंड डेल्टन अभी इधर आ जाओ बच्चों इनका साइज क्या है बहुत ज्यादा है कितना अराउंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड को टेन के लिख सकते हैं है ना अब तो तुम के वे सब जानते हो टेन थाउजेंड डाल्टन यस नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज आते हैं बच्चों कि सेल के अंदर अगर मुझे सेल के अंदर देखना है कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर ऑर्गेनलीज है तो फिल्ट्रेट वाले में तुम कौन सा हिस्सा डालोगे बताओ कौन सा हिस्सा डालोगे ऑर्गेनलीज को डालोगे या फिर साइटोप्लाज्म को डालोगे क्या लगता है किसका साइज छोटा होगा येस माई डियर स्टूडेंट्स एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए सेशन पे मुझे फटाफट से आंसर चाहिए अभी जनरल की बात कर रहे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट्स तो चालू ही नहीं किए आई एम आस्किंग कि आउट ऑफ सेल ऑर्गेनलीज एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल किसको तुम इधर डाल दोगे एसिड सॉल्युबल में बताओ किसको तुम इधर डाल दोगे हां जी बताइए यस मैक्स डायनेमो ने सबसे तेज और करारा जवाब दिया है हमें करारा जवाब कहता है कि एसिड सॉल्युबल में आएगा, आएगा आपका सेल का साइटोप्लाज्म है ना क्योंकि वो हमें छोटा लगता है लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ भी होते हैं वो यहां डाल दो सो so, साइटोप्लाज्म के इधर आ जाएंगे जो फिल्टर नहीं होंगे प्लस बच्चे और क्या आ जाएंगे ऑरगैन लीज आ जाएंगी क्या आ जाएंगे बच्चों ऑरगैन लीज आ जाएंगी हाँ ऐसा लगता है कि जैसे सब गायब हो गया गायब हो गया तो दोबारा कहां से लिखेंगे यस बच्चों क्लियर है क्लियर है अब एसिड सोलिबल फ्रैक्शन में तुम क्या क्या डालते हो Example लिख लेते हैं द एग्जाम्पल ऑफ एसिड सोलिबल फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी छोटे छोटे छोटे-छोटे है ना? चोटे -चोटे sugars, जो कि मोनोमर्स का काम करते हैं अनादर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी अमाइनो एसिड ठीक है दूसरी एग्जाम्पल क्या रहेगी आपकी अमाइनो एसिड अब कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल भी तो है तुम्हारे अंदर कैल्शियम आयन है मैग्नीशियम आयन है सल्फर है ये छोटी छोटी चीजें किस में आ जाएंगी आपके फिल्टरेट में आ जाएंगी बाकी और और मोनोमर्स बताओ जैसे आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है फास्फेट ग्रुप है ये सब क्या है फिल्टरेट अब इधर आ जाओ जिनका साइज बड़ा है ये शुगर शुगर बच्चों जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा शुगर जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा पॉली वो इधर डाल देंगे पॉलीसेड यस yes? अमाइनो एसिड पॉलिमराइज होकर क्या बनाते हैं बच्चों अमाइनो एसिड पॉलिमराइज होकर क्या बनाते हैं तुम बताओ अमाइनो एसिड पॉलिमराइज होकर बनाते हैं प्रोटीन बेसिस साथ जब पूरा न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है वो पॉलीमराइज होके क्या बनाता है न्यूक्लिक एसिड क्या बनाएगा बच्चों न्यूक्लिक एसिड यस लेकिन लेकिन बच्चों प्रोटीन्स आ गए लिपिड्स हैं यहां पर एक तरीके का एक्सेप्शन क्या है बच्चों लिपेड एक तरीके का क्या है एक्सेप्शन देखो पॉलीसेक्राइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इनका तो साइज क्या था बड़ा था ठीक है टेन थाउजेंड तक था हमारा इसीलिए इनको डाला एसिड इन में बट हेयर देयर इज वन एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी है दैट इज लिपिड लिपिड का बच्चे साइज क्या होता है छोटा होता है लेकिन फिर लिपिड इसके बावजूद भी किसमें आता है एसिड इन फ्रैक्शन में आता है किसमें किस आता है बच्चों? एसिड इन फ्रैक्शन में आता है तो लिपिड्स की जब बात करें लिपिड्स बच्चों सिफारिशी वाला आदमी है क्या है सिफारिशी है भाई का साइज वाइज तो उतना तो है नहीं जैसे होता नहीं कि मार्क्स तो आ नहीं रहे लेकिन फिर भी मुझे वो कॉलेज चाहिए तो हम सिफारिश जलवाएंगे इसकी थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे तो लिपिड ने भी क्या लगाई बच्चों अप्रोच लगाई तो लिपिड इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल ठीक है लिपिड इज नॉट अस्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल वाई बिकॉज साइज ऑफ द लिपिड इज लेस साइज उसका छोटा है बट फिर भी वो मैक्रोमोलिक्यूल एसिड इन इनबल फ्रैक्शन में आता है क्योंकि बच्चे लिपिड कहां है तुम खुद सोचो ये मैंने क्या बनाया है बाइलेयर तो जब हम इस लिपिड जो कि सेल की मेमब्रेन में प्रेजेंट है इसको क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं ग्राइंड करने पे बच्चों ये क्या बनाता है वेसिकल बनाता है अब ये वेसिकल्स क्या हैं? वेसिकल्स हैं बच्चों हाइड्रोफोबिक क्या हैं? हाइड्रोफोबिक एंड इनके हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये बेचारा किस में रह जाता है रिटेंटेड फ्रैक्शन में रह जाता है तो याद रहेगा सबको द एक्सेप्शन हेयर इज एक्चुअली लिपिड्स लिपिड्स का साइज तो छोटा है लेकिन फिर भी वो किस फ्रैक्शन में, में आते हैं एसिड इन सोलिबल फ्रैक्शन में आते हैं ठीक है क्लास वन थर्टी आवर तक रखिए ठीक है कोमल जैन आज का टॉपिक भी बड़ा आज क्लास हम वन थर्टी आवर्स तक रखेंगे तुम पढ़ा रही हूं तो भी तुम उसे समझो अगर मैं तुमको दो घंटे भी यहां पर रोक के बैठी हूं तो उसका भी रीजन होगा बाद में तुम्हें पूरा टाइम दूंगी इसको समझने के लिए यस बच्चों सो इसी एसिड सोलिबल फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हो तुम बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो इसमें आते हैं वो क्या कहलाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल और इधर क्या कहलाएंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ठीक है यस yes, बच्चों तो प्रोटीन एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है एसिड एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन बच्चों लिपिड एक स्ट्रिक्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है लेकिन सवाल आएगा तो तुम लिपिड को बच्चे इधर ही डालोगे और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ठीक है तो यहां से हमारी आती है अब डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम क्या था चैप्टर का नाम क्या था हमारे जैव अणु ठीक है बायो मॉलिक्यूल जैव माने जीवित जीवित इंसान में कौन कौन से अणु हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं तो एक डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी देती है

कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स क्या बोलोगे बच्चों इसको मॉलिक्यूल्स ठीक है अब इनका साइज छोटा है तो मॉलिक्यूल इनका साइज बड़ा है तो बच्चे क्या कहलाएंगे ये मॉलिक्यूल्स यस बच्चों तो ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी देती है मॉलिक्यूल्स की इसको भी अपने मन में अच्छे से बसा लो यस yes बच्चों मन में क्या लो बसा लो अब हमने यहां तक क्या किया है अभी तक हमने सिर्फ हैशटैग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सेस किया है नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द टर्न ऑफ हैशटैग कौन बच गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगला बच्चों किसको देखेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हम करेंगे एनालाइज यस yes, पीछे जगह है यहीं कर लेते हैं okay, ओके कहां करें बच्चों कहां करें यहां कर लेते हैं सो so, हैशटैग इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखो तुमने कंपाउंड के लिए तो क्या किया टिश्यू लिया टिश्यू को ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड में डाला उसको पीस दिया पीसने के बाद बच्चों उसको छान दिया छानने के बाद तुम्हें पता चल गया कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो और कौन कौन से प्रेजेंट है बड़ी सारी इसमें हमने और भी केमिस्ट्री से आ, केमिस्ट्री के एनालिसिस टेक्निक्स लगाई तब जाके पता चला कि प्रोटीन आया उनका स्ट्रक्चर बनाया कि अमाइनो एसिड से बना हुआ है तो वो सब तुम्हें अभी नहीं करना अभी क्या करना है कि ऑर्गेनिक तो पता लगा लिया अब पता लगाओ इनऑर्गेनिक हमारी बॉडी में होते तो है यस है बच्चों यस हमारी बॉडी में होते तो हैं क्या होते हैं इनऑर्गेनिक अब इनऑर्गेनिक के लिए बच्चों एक टिश्यू दे दो मुझे ऑर्गेनिक के लिए दिया था ना तुमने लिवर लेकिन लिवर के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते है ना तो तुम मुझे एक टिश्यू दे दो बताओ कौन सा टिश्यू दोगे एशियन चिल्ड्रन अकेडमी मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है प्लस पे उसको ड्रॉपर्स वाले बच्चे आराम से समझ सकते हैं वहां पर बिकॉज इट इज नॉट कोर्स आप आसानी से समझ सकते हो हाँ जी एक टिश्यू दे दो टिश्यू दे दो हिमांशु डोगरा वन शॉट कल आने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भाग दूसरा अध्याय दूसरा पहला पार्ट कर लिया था और, और बच गए थे कल रात को नौ बजे करने हां जी बताइए कौन सा दोगे टिश्यू कौन सा टिश्यू दोगे ओके okay. स्टमक ही दे दोगे हाँ ये बच्चे ने ठीक पकड़ा स्टमक देंगे क्योंकि मैम आप ही ने बताया था कि हम स्टमक के बिना जिंदा रह सकते हैं है ना कौन सा टिश्यू दोगे ब्रेन ही दे दिया अरे ब्रेन तुम्हारा खोखला है कुछ नहीं निकलेगा बीच में से यूज ही नहीं करते ना तुम ब्रेन तुम्हारा खोखला है ठीक है अब मैंने टिश्यू ले लिया तुम्हारा मान लो पेनक्रियाज ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में से उठा लेते हैं टिश्यू ले लेते हैं तुम्हारा पेनक्रियाज ठीक है पेनक्रियाज ले लिया पेनक्रियास को क्या किया हमने पेनक्रियास का टिश्यू लिया हमने और उसका वेट किया क्या किया बच्चों उसको किया ठीक है है भार निकाला अभी मतलब जो भी आपका टिश्यू उसमें इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो अभी जो वेट आएगा वो कौन सा वेट आएगा वेट वेट आएगा कौन सा वेट आएगा वेट वेट आएगा फिर बच्चों इस पेन क्रियास को रख दिया धूप में क्या करने के लिए रख दिया बच्चों ड्राई होने के लिए रख दिया क्या करने के लिए रख दिया ड्राई होने के लिए रख दिया फिर दोबारा से हमने इसका क्या लिया वेट लिया ठीक है फिर दोबारा से हमने क्या किया इसका वेट किया वे किया वेट नहीं किया वे किया अब जो वेट आएगा वो क्या कहलाएगा ड्राई वेट कहलाएगा मानते हो यहां तक क्लियर है कि पहले हमने निकाल लिया वेट वेट फिर इसको सूखने के लिए रख दिया अब क्या निकाल लिया हमने उसका ड्राई वेट अब इसको क्या कर देंगे जला देंगे क्या कर देंगे बच्चों जला देंगे भस्म कर देंगे यस बच्चों, अब जब इसमें से पानी सारा उड़ गया है तब हमने इसको क्या कर दिया बर्न कर दिया क्या कर दिया यहां पर इसको बर्न कर दिया बर्न कर दिया तो पीछे क्या मिलेगा बताओ तुम खुद बताओ बर्न करने के बाद पीछे यहां पर क्या मिलेगा हमको वो ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे कलर का बर्न करने के बाद बच्चों पीछे हमारे को मिल जाएगी ऐश क्या मिलेगी एश क्यों क्योंकि सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ठीक है ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो जाएंगे बच्चों ऑक्सीडाइज क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज खत्म बूम है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कंप्लीट कंबशन हो गई है बच्चों कार्बन की और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए खत्म कार्बन कंटेनिंग खत्म तो ऑर्गेनिक खत्म पीछे जो एश बची इसमें फिर कौन से कंपाउंड बचेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो पहुंच गए तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे तुमने लिया था बैनक्रियास पहले उसका वेट लिया उसको सुखा दिया वेट लिया ताकि पानी उड़ जाए है ना देन बच्चों उसको बर्न कर दिया ताकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सब खत्म हो जाए और कार्बन कंटेनिंग वाले क्या थे ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक खत्म तो पीछे जो एश बची वो क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको क्या कर लो एनालाइज कर लो एनालाइज कर लोगे तो बच्चे क्या मिलेगा तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी क्या मिल जाएगा बच्चों सारी चीजें मिल जाएंगी सो वी हैव हमें ऐश में क्या मिला सोडियम मिला पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम वॉटर एंड कंपाउंड ये सारी चीजें हमें मिल गई आपकी उस एश में तो प्रूव हो गया कि तुम्हारी बॉडी में क्या ऑर्गेनिक है और तुम्हारी बॉडी में क्या एनऑर्गेनिक है एश का मतलब क्या होता है राख ऐश का मतलब क्या होता है राख है ना राख तो समझते हो जो जलाने के बाद ब्लैक ब्लैक लास्ट में बच जाता है है ना यस अब एक क्वेश्चन आप सबसे है। कि ये जो एश एनालिसिस में तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आया अगर तुम्हें इसको डालना है एसिड सोलेबल या फिर एसिड इनसोलेबल में तो किस में डालोगे <coughs> बताओ किस में डालोगे बताओ किस में आएगा हां जी बिल्कुल हिमांशु क्वेश्चन है वेन यू विल वेन यू विल वेन यू वॉन्ट टू एनालाइज देम एंड यू वॉन्ट टू पुट देम अंडर एसिड इट सोलिबल और इनसॉलिबल तो ये सब किस में आएंगे बताओ अक्षय कुमार आ, आकाश कुमार लिपिड एक्चुअली में बायो मैक्रो में आएगा बट इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रो लेकिन अगर तुम्हें कैटेगरी में डालना हो तो मैक्रो में ही डालोगे हाँ जी बताओ ये किस में जाएंगे ये सारे जाएंगे बच्चों आपके एसिड सोल्यूबल पूल में किस में एसिड सॉल्युबल पूल में साइज छोटा है ना तो फिल्टर हो जाएंगे फिल्टर हो गए तो बच्चे किस में जाएंगे यस ट फ्रैक्शन किस में जाएंगे फिल्टरेट फ्रैक्शन हमारे बायोमोलिक्यूल्स का अगला भाग भी क्या हो गया पूरा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड एनालिसनिक अगली चीज आती है बच्चों आपके पास नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये छोटे छोटे पैरा है एनसीआरटी में जिसको तुम क्या कर देते हो इग्नोर और इसमें प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सबसे पहले एक टर्म सीखो व्हाट इज मेटाबोलाइट वॉट इज मेटाबोलाइट देखो यही तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको आप मेटाबोलाइट बोलते हो सो दी बायोमोलिक्यूल्स ठीक है विच पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन मेटाबोलिक रिएक्शंस मेटाबोलिक रिएक्शन अब बच्चे पूछते क्या लिखा है आर एक्सन क्या लिखा है बच्चे आरएक्सन का मतलब होता है रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म मैम की शॉर्ट फॉर्म है ना मैम की शॉर्ट फॉर्म क्या कहती है रिएक्शन इज आरसेन तो दो तरीके के हो सकते हैं वन इज प्राइमरी प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट उसको बोलते हैं जिसका काम धंधा तुमको पता है कि ये क्या काम करता है जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज का धंधा तुम्हें पता है कि बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज ने टूटना है और क्या देनी है एनर्जी देनी है धंधा पता चल गया तुम्हें ठीक है नाम भी पता है कि क्या है भाई किसके अंदर पाया जाता है कितनी मात्रा में पाया जाता है सब चीजें तुम्हें पता है है ना सब चीजें पता है तो प्राइमरी वो है बच्चों जिसका फंक्शन तुम जानते हो जानने का मतलब है दे हैव गॉट आइडेंटिफाइबल फंक्शन ठीक है इनका फंक्शन क्या है तुम लोग पहचानते हो प्रोटीन का फंक्शन तुम्हें पता है क्या है कार्बन का फंक्शन तुमको पता है क्या है ठीक है और इनका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नोर नहीं कर सकते इनको सस्ते में नहीं ले सकते बच्चों हल्के में नहीं ले सकते प्राइमरी को ठीक है दे प्ले रोल इन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक है इनका रोल किसमें है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और फंक्शन भी क्या है तुम जानते हो दूसरा आता है बच्चे सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब सेकेंडरी सेकेंडरी मतलब जिनको थोड़ा सा ना हल्के में है कि जिसमें ये पाए जाते हैं उसमें कोई काम धंधा ही नहीं है इनका है ना मान लो प्लांट के अंदर कोई चीज पाई जा रही है प्लांट उसको यूज ही नहीं कर रहा दैट मीन्स सेकेंडरी आर दोस्ट विच आर नॉट यूज बाय द होस्ट इसको बनाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इसको काम कोई यूज नहीं कर रहा लेकिन ह्यूमन शातिर दिमाग ह्यूमन क्या है शातिर दिमाग ह्यूमन ने सोचा यार तुम मुझे बताओ क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है हम इसको इस्तेमाल करेंगे सो so, इनका यूज कहां पर आता है ह्यूमन वेलफेयर में ठीक है इनका यूज कहां पर आता है इकोलॉजी में कहां पर आता है इकोलॉजी में एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी चलो बताओ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट कमन कमन आ, इसी में ही आएंगे इसी में ही आएंगे एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ऐसा मेटाबोलाइट जिसका फंक्शन तुम जानते हो कार्बन हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सबका फंक्शन पहचानते हो सब क्या आ जाएंगे प्राइमरी अगला आता है सेकेंडरी सेकेंडरी इज द वन जिसका फंक्शन उसके होस्ट में है ही नहीं प्लांट ने कुछ बनाया रबड़ बनाया ये सब बनाया प्लांट यूज़ ही नहीं कर रहा ह्यूमन बढ़ चढ़ के आगे कि भाई हम कर लेंगे. तो देख लेते हैं, किस काम आते हैं very, very, very और ये आपको लर्न करना है जो नहीं लर्न करना वो मैंने बता दिया जो लर्न करना है वो भी देख लो कि कौन कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और क्या इनकी एग्जाम्पल है ये देखो, pigments,

Learn करना है और ये क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी है देखो जिसने बनाया उसके में इसका कोई काम नहीं था इसीलिए ये क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो तो हम ह्यूमंस बहुत इंटेलिजेंट हैं हमने इनसे काम ले लिया है लेकिन जिसने बनाया उसके अंदर इसका कोई काम नहीं था कोई फंक्शन नहीं था तो ये बात हो गई आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की किसकी बात हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अब बच्चों एक एक टेबल और दिया हुआ है एनसीईआरटी में अबाउट दिस कि आपके सेल के अंदर सेल के अंदर किसकी कितनी मात्रा है ये भी आपको क्या करना है लर्न करना है क्या करना है बच्चों मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं पीडीएफ में तुम्हें दिखेगा कि इसको क्या करना है याद करना है सबसे ज्यादा सेल में पानी पानी रे है ना वाटर सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट इज वाटर प्रोटीन्स कितने पाए जाते हैं टेन टू फिफ्टीन परसेंट अगला नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का थ्री परसेंट देन बच्चों लिपिड्स टू परसेंट न्यूक्लिक एसिड फाइव टू सेवन एंड आयंस वन ठीक है यस yes, बच्चों क्लियर है ठीक है याद रहेगा डब्ल्यू पीसी एल एन आई डब्ल्यू पीसी एल एन आई वैसे लेंगे तो प्रियंका चोपड़ा को ही लेंगे तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है वैसे इज डब्ल्यू पीसी प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा को लेना है हमने अगली मूवी में शी इज अपर स्टार है ना शी इज अपर स्टार तो तुम कैसे भी याद करके कर सकते हो वॉटर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपेट्स न्यूक्लिक एसिड आइन्स अब इसमें सवाल कैसे आता है सवाल आता है बच्चों ग्राफ बन के क्या बन के आता है ग्राफ बन के ऐसे बनाओगा ये एक सबसे ऊपर एक नीचे देन बच्चों एक यहां पर एक यहां पर अब वो तुमको बोलेंगे कि ए पहचानो बी पहचानो सी पहचानो कैसे पहचानोगे सबसे ज्यादा एक इसको बना दोगे तुम Water को है ना सबसे ज़्यादा आपका पानी प्रेजेंट है Then, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका सी सी किसको बना दोगे तुम तो? प्रोटीन को देन अगले नंबर पे आ जाएगा बी किसको बना दोगे कार्बोहाइड्रेट्स को अगले नंबर पे आ जाएगा डी किसको बना दोगे लिपिड्स को यस yes, बच्चों किसको बना दोगे लिपिड्स को तो याद रहेगा याद रहेगा ऐसा सवाल आ सकता है इनफैक्ट परसेंटेजेस भी तुमको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट बता होनी चाहिए चलिए सो विद विद दिस वी आर डन द एक्स्ट्रा पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट हमने कर लिया है अब बच्चों अपने रियल टॉपिक पे आते हैं किस पे आते हैं रियल रियल टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए तुम्हें पेन पेंसिल इकट्ठा करना है ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट्स चालू करने वाले दिस इज द फर्स्ट बायो मोलिक्यूल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट बायोमोलिक्यूल ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट से तुम क्या समझते हो भाई शक्कर क्या नाम है इसका शर्करा, शक्कर, सो दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या है बच्चों ये क्या है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसके नाम में ही है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के साथ जब वाटर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हर कार्बोहाइड्रेट में ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बच्चों हर कार्बोहाइड्रेट में तुमको दो चीजें मिलती हैं इट कंसिस्ट ऑफ इट ऑफ टू थिंग्स दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री है बच्चों मैनेज मैनेज कर लो है 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 ना मैम ने भी तो किया है, थोड़ा सा केमिस्ट्री सो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। so मिलते हैं सबसे पहली चीज इसमें पाई जाती है एल्कोहोलिक ग्रुप कौन सा ग्रुप पाया जाता है ओ एच ग्रुप ठीक है सेकेंड चीज जो इसमें पाई जाती है सेकेंड चीज बच्चों पाई जाती है एक और फंक्शनल ग्रुप इट कुड आइदर बी एल्डिहाइड 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 माने CHO ठीक है और इट कुड आइदर बी कीटोन ग्रुप ठीक है तो एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर चाहे वो ग्लूकोज है चाहे वो फ्रक्टोज है चाहे वो माल्टोज है कुछ भी है उसके अंदर तुम्हें दो चीजें जरूर मिल जाएंगी वन यू आर गोइंग टू गेट वन OH ग्रुप सब में या फिर इसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर ग्रुप प्रेजेंट होगा अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो उस शुगर को क्या बोल दोगे तुम एल्डोज क्या बोल दोगे बच्चों डोज मिल जाएगी उसको किसकी एल्डिहाइड की क्या बोलना है उसको एल्डोज अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो उस शुगर को क्या बोल दोगे तुम किटो यस बच्चों क्या बोलोगे बच्चों उसको किटोस या तो मतलब या तो शुगर क्या होगी एल्डोज या फिर शुगर क्या होगी किटोज होगी और उसमें ओएज OH ग्रुप तो बिल्कुल ही प्रेजेंट होगा ठीक है अब आ जाते हैं सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे यस लेट अस स्टार्ट विद सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अब जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट वो है जिसको तुम नहीं तोड़ सकते वो ऑलरेडी टूटा हुआ है सिंपल सिंपल व्यक्ति कौन सा होता है बेचारे की कोई इच्छा ही नहीं है है ना कोई इच्छा नहीं है तुम उसे लालच नहीं दे सकते हो किसी भी चीज का तो वैसे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल तुम्हारी तरह कौन है सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर नहीं टूट सकता नहीं क्यों टूट सकता क्योंकि वो अपने आप में अकेला है क्या है वो अपने आप में अकेला है और वो अकेला पन वाला कौन है मोनो सैकराइड मोनो मतलब वन अकेला थकेला सैकराइड का मतलब शुगर सो मोनो मींस वन एंड सैकराइड का मतलब है आपका शुगर तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ इज गोइंग टू बी सी एन एच टू एन ओ एन क्या है बच्चों जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ एन या फिर क्या मैं इसको लिख सकती हूं क्या मैं इसको लिख सकती हूं सी एन एच टू ओ की पावर एन अरे एन बाहर कर देते हैं सी एन एच टू ओ की पावर एन एक ही बात है ना एक ही बात है बताओ बताओ बच्चों एक बात है या नहीं है अकेला थकेला अकेला थकेला कौन है मोनोसेकर जिनको आप और आगे नहीं तोड़ सकते ठीक है क्योंकि ऑलरेडी अकेले हैं और टूट गए तो भजम हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे द फॉर्मूला फॉर इज़ गोइंग टू बी सी एन एच टू एन ओ एन एंड दिस एन कैन वेरी फ्रॉम बदल चेंज हो सकता है थ्री से लेकर सेवन तक सो दिस एन कैन रेंज टू सेवन कितना भी हो सकता है इफ दिस एन इज इक्वल टू थ्री क्या है बच्चों अगर n हुआ थ्री तो मतलब इट इज कार्बन मोनोसेकराइड एग्जाम्पल ऑफ द थ्री कार्बन इज गोइंग टू बी ग्लाइस क्या एग्जाम्पल रहेगी सी थ्री की ग्लिसरेल्डिहाइड साथ साथ बोलो बच्चों ठीक है अकेला चल रहा है अभी है ना हैश अकेला चल रहा है सो so, अगर एन हुआ बच्चे 4, माने C कितने हैं इसके पास फोर वो कौन सी शुगर होगी गोइंग टू बी बच्चों एरिथ्रोस आगे चलते हैं एन इज इक्वल टू फाइव एन फाइव मतलब सी फाइव c5 तो तुम जानते हो नया नहीं है वो शुगर क्या कहलाएगी पेंटोज क्या कहलाएगी बच्चों पेंटोज एंड द पेंटोज इज एक्चुअली रिबोस रिबोस क्या है पेंटोज है देन रिबोस इज योर आरएनए शुगर अगर n हुआ बच्चों 6 दैट मींस c6 c6 मतलब हेक्सोज हेक्सोज की एग्जांपल रहेगी आपकी ग्लूकोज और क्या एग्जांपल रहेगी आपकी फ्रक्टोज क्लियर क्लियर बच्चों तो ये है ट्राइओस तीन कार्बन वाला तीन कार्बन वाला कौन है ट्राइस ठीक है ओस जो ऊपर से गिरती है ना ओस चार कार्बन वाला कौन है टेट्रोस ठीक है पांच वाला बता दो पांच वाला बता दो फटाफट से लड्डू ने बता भी दिया पांच वाला कौन सा है आपका पेंटोज और छह वाला कौन सा है छह वाला हो जाएगा आपका हेक्सोज सात वाला भी होता है यस बच्चों सात वाला भी होता है इसी कैटेगरी में आते हैं बट इतना मत याद रखो तुमको मेनली क्या याद रखना है आपको याद रखना है C5 और C6 अच्छा इसमें से तुम्हें क्या लगता है मोस्ट वाले कौन से हैं मोस्ट वाले कौन से हैं हां जी बताइए C5 C3 C2 C7 इनमें से मोस्ट अबंडेंट वाले कौन है जी बताओ पेंटोस पेंटोस मोस्ट अबंडेंट बच्चों हैं आपके पेंटोस एज वेल एज हेक्सोस यस दीज आर द मोस्ट अबंडेंट वन ओके okay, चलिए अब चालू करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस किससे चालू करेंगे ग्लूकोस से अपना चालू करेंगे अब तुमसे कोई सवाल पूछे कि क्या तुम ग्लूकोस को और तोड़ सकते हो कोई शुगर बचेगी क्या तुम मेरे थ्रोस को तोड़ सकते हो रिबोस को तोड़ सकते हो तो तुम बोलोगे ना भाई ये क्या है अकेला स्कोर नहीं तोड़ सकते खत्म हो जाएगा बेचारा सो यू कैन नॉट ब्रेक देम डाउन फर्दर राइट चलिए आगे चलते हैं लेट एस स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज क्या था हमारा सिक्स कार्बन शुगर सी सिक्स सी सिक्स का मतलब होता है हेक्सोस ठीक है हेक्सोस अब मैंने आपको बताया था कि एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो एल ग्रुप होगा या फिर कौन सा ग्रुप होगा किटोन ग्रुप होगा है ना अब ग्लूकोज के अंदर इन दोनों में से इन दोनों में से क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए इसको क्या बोलते हो तुम एल्डोज बोलते हो क्या बोलते हो ग्लूकोज को एल्डोज बोलते हो सब बच्चे साथ साथ बोलो कल होगा राघव गुप्ता इट विल हैपन टू इट विल हैपन टू ठीक है ठीक है क्या बोलते हो बच्चों इसको एल्डोज बोलते हो यस yes, क्लियर है चलो सबसे पहले जो भी हम शुगर की बात करेंगे जो भी मोनोसेकर की बात करेंगे पहले उसका बनाएंगे चेन फॉर्मूला देन बच्चों हम बनाएंगे उसकी रिंग फॉर्म मैंने बताया कि मोनोसेकर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन ओ एन उस एन में तुम सिक्स डाल के देखो क्या बनेगा सब बच्चे मुझे बताएंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू इज ए जनरल फॉर्मूला व्हेन यू विल पुट एन एज सिक्स ओवर देअर देन इट इज गोइंग टू फॉर्म सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स छ कार्बन बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन चलो बनाते हैं छ कार्बन लेने हैं ना तो छ कार्बन लेंगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स कार्बन ले लिए और मैंने इसको क्या बोला इट इज अ टाइप ऑफ एल्डोज तो मतलब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप जरूर होगा और वो कौन से कार्बन के पास है कार्बन नंबर वन किसके पास है बच्चों कार्बन नंबर वन तो ये आ गया अपना एल्डिहाइड ग्रुप आगे मैंने बताया कि इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे क्या होंगे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे वो इस तरीके से प्रेजेंट है एच ओ एच ठीक है थर्ड कार्बन पे थोड़ा उल्टा है ओ एच एच देच एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच देख के बताओ कार्बन की वैलेंसी ठीक है हां जी सब बच्चे मुझे देख के बताएंगे क्या कार्बन की वैलेंसी मैम ने ठीक लिखी है कार्बन इज टेट्रा वैलेंट राइट चार वैलेंसी होती है तो क्या मैंने कार्बन की वैलेंसी ठीक लिखी है नंबर नंबर भी दे देते हैं। कार्बन एंड सिक्स। बताओ कीटोनिक ग्रुप नहीं है ठीक no, no है एल डी हाइट ग्रुप यस बच्चो क्लियर इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना तो ये क्या है बच्चों कार्बन का चेन फॉर्म है दिस इज चेन फॉर्म बट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रिंग रिंग? फॉर्म में। कैसे बनाएंगे अब ring? अब बच्चों इस पूरी चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो हर बारी तुमने क्या करना है पूरी चेन में लुक एट सेकेंड लास्ट कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन का ये जो ओ है ना वो इसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता वो किसके साथ दोस्ती करना चाहता है सी वन के साथ उसको लगता है भाई सी वन सुपीरियर है सी वन के पास एल डी हाइड ग्रुप है मैं उसी के साथ दोस्ती करूंगा क्या करना चाहता है बच्चों सेकेंड लास्ट कार्बन का ओ सेकेंड लास्ट मतलब फिफ्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन का ओ किसके साथ जुड़ना चाहता है C1 के साथ दोस्ती करना चाहता है वो होते हैं ना कुछ फ्रेंड्स आपके कि मैं तो सिर्फ उसी से बात करूंगा उसके पास अच्छा बैग है अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है तो मुझे उसको फ्रेंड बनाना है बस यही बात है यहां पर कि सेकंड लास्ट कार्बन का ओ सी वन से दोस्ती करना चाहता है तो दोस्ती करा देते हैं इसकी क्या करा देते हैं बच्चे दोस्ती करा देते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स अपना चुपचाप बैठा है सी एच टू OH. ओ एच ठीक है टू भी अपना चुपचाप बैठे हैं एच ओ एच थ्री को भी कोई छेड़छाड़ नहीं है ओ एच एच पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं है H OH और फिफ्थ वाले का बच्चों फिफ्थ वाले का ओ किससे दोस्ती करना चाहता है किससे दोस्ती करना चाहता है बच्चों सी वन से दोस्ती करना चाहता है ठीक है ये था सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव एंड सी सिक्स नाउ दिस O वांट्स टू मेक बॉन्ड विद सी वन बना लिया तो बच्चे इसके पास तो H भी था ठीक है इसके पास तो क्या था एच भी था उसको भी कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा अगर ये ओ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी पांच विच इज नॉट पॉसिबल तो अब क्या होगा दिस एच मूव विद ओ और ये डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा अब क्या होगा बच्चों ये एच आ जाएगा ऊपर यहां आ गया ओ एच और यहां पे आ गया बच्चों आपका एच यस गेटिंग पता चला कि मैंने क्या किया सब बच्चे मुझे बताइए डिड यू गेट कि मैंने किया क्या है मैंने सेकंड लास्ट कार्बन के ओ को भेज दिया उसके दोस्त के पास मित्र के पास जिससे वो बातचीत करना चाहता था ठीक है तुम्हें तो बात करनी है तो करो अब क्या कर सकते हैं हमारे कंट्रोल में थोड़ा है कि तुम किससे दोस्ती करना चाहते हो ये वन के साथ दोस्ती करना चाहता था तो किसी एक दोस्त को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि जो वन है वो चार लोगों के साथ ही दोस्ती कर सकता है वैलेंसी कितनी है उसकी चार तो हमें ये बॉन्ड क्या हुआ हटाना पड़ा अब जब ये बॉन्ड हटाया तो ओ भी अकेला ना रह पाया तो ये जो एच है उसको भेज दिया o के पास। ये अपना H वैसे का वैसे लगा हुआ है this structure is called as क्या बोलते हो बच्चों इसको hemicidal. मुझे लोग चैट बॉक्स में बताओ। ध्यान yes, से दोबारा सुनो सब बच्चे ध्यान से दोबारा सुनो शाहबाज बी ओरिजिनल पहले इसको देखना फिर इसको देखना मैंने किया क्या मैंने यहां से ओ उठाया, लास्ट कार्बन के ओ को उठाया, के को ऊपर 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 भेज भेज दिया। अगर मैं इसको भेज दूंगी, की वैलेंसी क्या हो जाएगी पांच हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं है तो जब मैंने इसको ऊपर भेजा तो यहां से मैंने डबल बॉन्ड भी हटा दिया ठीक है तो हमने इसके ऑक्सीजन को बॉन्ड बना दिया C1 के साथ और यहां का H उठ के चला गया O के साथ और उसने क्या बना लिया ओ एच अब देखो सी वन की कितनी वैलेंसी है चार चार ही होनी चाहिए ना? बैलेंस्ड यस बच्चों बैलेंस्ड ये सब आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा नहीं किया तुम इलेवेंथ क्लास के बच्चे हो तो कोई बात नहीं यहां पर आकर सीखो ये बन चुका है आपका हेमीसीटल अगर इसी को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगी बच्चों कितना डिग्री घुमाना है 90 डिग्री घुमाना है लेफ्ट साइड पर घुमा दो जब मैंने इसको घुमाया तो मेरे पास ये बना यस yes. तो अब मेरे पास बन गई है रिंग फॉर्म हेमी एसिटल के बाद बनती है आपकी रिंग फॉर्म ऐसी रिंग बनती है कार्बन में ग्लूकोज में जिसमें रिंग की एक साइड पर क्या होता है ऑक्सीजन और बाकी की पांच साइड पे क्या होता है कार्बन तो ये जो डॉट है ना दिस इज कार्बन दिस इज कार्बन दिस इज कार्बन दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, कार्बन और ये जो मैंने ओ बनाया है वो ये वाला बनाया ठीक है अब इस ओ के साथ बच्चों जुड़ा हुआ है सी वन जोड़ दो दिस इज सी वन ठीक है सी वन पे एच ओ एच सी टू पे क्या है एच ओ एच सी थ्री पे क्या है ऊपर ओ OH, एच नीचे एच सी फोर पे क्या है एच ओ एच एंड सी फाइव पे क्या है ऊपर है सी एच टू ओ एच एंड नीचे है एच कार्बन नंबर भी लिख देते हैं दिस इज कार्बन नंबर वन दिस इज कार्बन नंबर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स रिंग के बाहर पूरे ग्रुप के बाहर फेंक दिया को। यस बच्चों बताइए चमका या नहीं चमका ये वाली रिंग चमकी या नहीं चमकी कैसे बनाइए कुछ नहीं किया इसको मैंने टिल्ट कर दिया इस ओ के साथ आना था सी वन बना दिया सी वन देन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स रिंग के बाहर नाउ दिस टाइप ऑफ रिंग is कॉल्ड as जब भी आपकी केमिस्ट्री में ऐसी रिंग बने जिसमें छह में से एक पोजिशन ले रहा है बाकी पोजिशन कार्बन ले रहे हैं दिस रिंग इज कॉल्ड लैस रिंग क्या बोलते हो इसको पायरा रिंग यस yes, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पायरानोज रिंग फर्स्ट चीज दूसरी चीज जब ही C1 पे C1 पे ध्यान देना दिस इज C1 जब भी कार्बन नंबर वन पे ओ रिंग के नीचे वाली साइड होगा उस ग्लूकोज को उस मॉलिक्यूल को बच्चे तुम क्या बोलते हो अल्फा क्या बोलते हो अल्फा यहां पर दोबारा देखो सी वन पर अगर ओ रिंग के नीचे मैं बहुत टाइम बाद हिंदी लिख रही हूं सी वन पर अगर ओ रिंग के नीचे वाली साइड होगा तो वो कहलाएगा अल्फा अगर C1 पे OH रिंग के ऊपर वाली साइड कहलाएगा अगर होगा तो वो कहलाएगा बीटा यस बच्चों अल्फा और बीटा क्लियर C1 वन इज काइरल कार्बन ठीक है कायरल कार्बन पे अगर OH रिंग के नीचे वाली साइड तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है अल्फा अगर OH रिंग के ऊपर वाली साइड तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों बीटा तो ये कौन सा है पहचानो पहचान कौन हां जी ये कौन सा है हां जी बताइए बताइए फ्यूरोना फ्यूरोनोस का बताएंगे बच्चों वो ग्लूकोज में नहीं बनती है फ्यूरोनोस रिंग बनेगी रिबोज में वो भी मैं बना के दिखाऊंगी लिली ठीक है वो भी मैं बनाकर दिखाऊंगी यस जी ये कौन सा है इज इट अल्फा और बीटा कौन सा ग्लूकोज है इसमें C1 पर OH रिंग के नीचे वाली साइड है सो दिस ग्लूकोज इज दिस ग्लूकोज इज बच्चों अल्फा ग्लूकोज ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किसका बनाया है अल्फा ग्लूकोज अब अगर तुमको बोला जाए कि बच्चे बीटा ग्लूकोज बना के दिखाओ बना दोगे बना सकते हो कुछ नहीं करना सेम का सेम और ऊपर बैठा देना बस यही करना है ओएच OH अगर ऊपर तो बीटा ओ OH एच अगर नीचे तो अल्फा। लेकिन सी वन के ओ OH एच की बात हो रही है सिर्फ किसके के ओएच OH की बात हो रही है सी वन तो लिखो एक होमवर्क सब बच्चे एक होमवर्क लिखेंगे यस कम ऑन आई एम गिविंग यू वन होमवर्क सेशन खत्म नहीं हुआ बट होमवर्क बीच में मिल रहा है ठीक है पहला होमवर्क रहेगा ड्रॉ ड्रॉ बीटा ग्लूकोज यस yes. सब बच्चे अपनी कॉपी में यस अपनी कॉपी में बीटा ग्लूकोज बनाएंगे घर जाकर घर जाकर मतलब क्लास खत्म होने के बाद वो क्या बनाएंगे बीटा ग्लूकोज बनाएंगे ये चीज बता दी दूसरी चीज अल्फा बीटा इज क्लियर सो so, ग्लूकोज के लिए बच्चों बहुत सारे नाम यूज कर सकते हैं इट इज अक्सोज इट इज एल्डोज इट इज फायरनोज प्लस बच्चों इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल शुगर ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर है ना और क्या नाम है इसके ब्लड शुगर ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर क्या बोला जाता है बच्चों इसको ऐसे ये किसका गुच्छा बनाया मैम ने किसका गुच्छा बनाया ग्रेप्स का इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर क्यों क्योंकि सिर्फ एक ग्रेप ही ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ग्लूकोज पाई जाती है बाकी सब में क्या पाई जाती है फ्रक्टोज अ ग्रेप शुगर इट इज शुगर क्योंकि जब आप मक्की के दानों को मक्की के दानों में एनालाइज करोगे, तो क्या निकलेगा ग्लूकोज ही निकलेगा क्या निकलेगा ग्लूकोज ही निकलेगा तो ग्लूकोज इज डन अब आते हैं एक और सिक्स कार्बन शुगर पर दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज फ्रक्टोज से पहले एक चीज और बता दू शुभम प्रजापति क्या रिपीट करे शुभम प्रजापति क्या रिपीट करे आकाश यादव सी वन इज कायरल कार्बन सी वन इज कायरल कार्बन बिल्कुल अब एक और चीज बच्चों याद करो कि कायरल कार्बन को यस yes, जो आपका ए कार्बन है कायरल कार्बन कौन सा होता है एसीमेट्रिक कार्बन सो मान लो ये है आपका कायरल कार्बन एंड इन दिस केस द कायरल कार्बन इज सी वन कौन सा है सी वन अगर कायरल कार्बन पर पड़ी पोलराइज लाइट क्या पड़ी बच्चों पोलराइज लाइट तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो बच्चों इस लाइट को ये रोटेट कर देंगे लेफ्ट साइड पर या फिर इस लाइट को बच्चे ये रोटेट कर देंगे राइट साइड पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ठीक है आइदर दे विल रोटेट पोलराइज लाइट पोलराइज लाइट टूवॉर्ड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड लेफ्ट लिख लेते चलो राइट right लिख लो और दे आर गोइंग टू रोटेट पोलराइज लाइट पोलराइज लाइट टू लेफ्ट साइड तो इसके अलग अलग नाम है अगर तो बच्चों वो रोटेट करते हैं राइट साइड पे दैट शुगर इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या बोलोगे इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ठीक है अगर वो लेफ्ट में रोटेट करते हैं एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लीवो रोटेटरी ठीक है एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लीवो रोटेटरी एग्जाम्पल बच्चों बस याद रखना कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जाम्पल रहेगा ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी का एग्जाम्पल रहेगा आपका फ्रक्टोज तो आपके ग्लूकोज के लिए बच्चों ग्लूकोज के लिए एक और टर्म यूज की जाती है ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्सट्रोज ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं डेक्सट्रोज आप बुक्स में पढ़ोगे ऑप्शंस में लिखा होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्लूकोज के लिए सही है अगर ग्लूकोज के लिए, लिए लिखा हुआ डेक्सट्रोज तो क्या ये सही है यस बच्चों क्या ये सही है सो हम दोबारा देखना इसको दोबारा देखना तीन बारी कर दी है अगर ग्लूकोज के लिखा हो के लिए लिखा हो डेक्सट्रोस इज दिस बच्चों बिल्कुल सी की फाइव वैलेंसी कहां है रूबी सी की फाइव वैलेंसी कहां है ठीक है वन टू थ्री फोर फोर ही है यस yes? चलिए आगे चलते हैं ग्लूकोज इज डन अब ग्लूकोज के बाद हमारी टर्न आ जाएगी ग्लूकोज के बाद बच्चों टर्न आ जाती है रिबोज की ठीक है मोनोसेकराइड में अगला टर्न किसका लिखोगे तुम चलो प्रकटोस लिख लो तुम बोलते हो तो प्रकटोस लिख लेते हैं फ्रक्टोस भी क्या है है एक हेक्सोस सो इट इज लेकिन इसमें अंतर क्या है अंतर क्या है बच्चों कि फ्रक्टोस फ्रक्टोज इज नॉट एन एल्डोज इट इज एक्चुअली एक्चुअली कीटोज क्या है बच्चों फ्रक्टोज कीटोज है और क्या याद रखना है इसके बारे में

देखो ये सारे फ्रूट्स में पाई जाती है तो इसको मैं लिख देती हूँ फ्रूट शुगर भाई तुम्हें क्या बोल देते हैं हम फ्रूट शुगर ठीक है लेकिन एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन बताओ हां जी बिल्कुल मयूर ठीक है बिल्कुल मयूर यस एक्सेप्ट साधना ने सबसे पहले आंसर दिया है एक्सेप्शन इज ग्रेप्स बच्चों ग्रेप्स में क्या था ग्लूकोज था जी फॉर ग्लूकोज जी फॉर ग्रेप्स एफ फॉर फ्रूट्स एफ फॉर फ्रक्टोस इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ग्रेप्स खाना अलाउड नहीं होता वो बाकी सब फ्रूट्स खा सकते हैं क्यों क्योंकि बाकी फ्रूट्स में फ्रॉक्टोस है फ्रक्टोस से उनको दिक्कत नहीं है दिक्कत किससे है ग्लूकोज से इसीलिए उन लोगों को ग्रेप खाना मना ही होती है बाकी सब चीजें वो आराम से खा सकते हैं तो ये बात हो गई आपकी फ्राक्टोज की आगे आ जाते हैं अपने रिबोज पे नेक्स्ट शुगर पेंटोज पे आ रहे हैं बच्चों रिबोज पे ठीक है रिबोज का फॉर्मूला बता दो सी एन एच टू एन ओ एन दी फाइव एच टेन ओ फाइव बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे ऑल्सो एल्डोज ये भी क्या है बच्चों एल्डोज ठीक है मैंने कितने बना दिए? वन टू थ्री फोर फाइव एल्डोज है तो कार्बन नंबर वन पे क्या होगा एल्डिहाइड डी ग्रोप बाकी बच्चों एच और ओ OH. एच एच ओ एच एच ओ एच और लास्ट वाला तो क्या होता है सी एच टू ओ एच तो नंबर दे देते हैं नंबर दे, दे देते हैं बच्चों सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव येस बच्चो क्लियर बिल्कुल ठीक मैक्स डाइनामो मोहिनी राइट आंसर राइट आंसर हां जी चलिए अब बनाएंगे इसका हेमीएसिटल जैसे ग्लूकोज का बनाया था ना ये देखो याद करो ग्लूकोज में बनाया था हमने कि सीरीज का सेकेंड लास्ट ऑक्सीजन को दोस्ती करनी है सी वन से वैसे ही बच्चों यहां पर सीरीज के सेकेंड लास्ट ऑक्सीजन को सीरीज का सेकेंड लास्ट कौन है यहां पर सीरीज का सेकेंड लास्ट है ये ओ इसको फिर से किससे दोस्ती करनी है बच्चों C1 से करनी है सेम फंडा रहेगा सीरीज के सेकंड लास्ट ऑक्सीजन को दोस्ती करनी है C1 से तो करवा दो बच्चों उसकी दोस्ती करवा दो इतना क्या उसको परेशान कर रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव सी एच टू ओ एच ठीक है दोस्ती करवा देते हैं बच्चों सीरीज़ के सेकंड कार सेकंड लास्ट कार्बन को दोस्ती करनी होती है सी सी टू, सी थ्री, सी फोर। बाकियों को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है तो यहां पर रहेगा आपका एच यहां पर रहेगा आपका ह, ओ एच ओ एच एच ओ एच और यहां पर भी रहेगा एच अब किसको दोस्ती करनी थी बच्चों सेकंड लास्ट, तो लास्ट वाले ऑक्सीजन को तो सेकंड लास्ट वाले ऑक्सीजन की दोस्ती हमको करानी है C1 से करानी है जब इस ऑक्सीजन की दोस्ती C1 से करा दी तो बेचारे ने अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया पुराना दोस्त कौन था? H था। कौन था? था। था? ये वाला एच तो इस एच को भी बच्चों जगह देनी पड़ेगी यहां पर बन जाएगा OH। इसको क्या बोलोगे तुम हेमी एसिटल फिर से क्या बना बच्चों ये हेमी एसिटल अब फिर से इसको क्या कर देंगे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे क्या कर देंगे रोटेट कर देंगे और रिंग फॉर्म बनाते हैं लेट इज ड्रॉ द रिंग फॉर्म सो रिबोज का जो रिंग होता है वो इस तरीके से दिखता है ठीक है दिस इज हाउ द रिंग ऑफ रिबोज लुक्स लाइक एक जगह ओ है और चार जगह क्या है कार्बन सो फर्स्ट कार्बन पे देखो एच ओ एच एच ओ एच सेकेंड कार्बन पे भी देखो एच ओ एच एच ओ एच थर्ड कार्बन पे भी देखोगे तो एच ओ एच एंड फोर्थ कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है अपना सी एच टू ओ एच और क्या जुड़ा हुआ है एच सो फॉर्म जिसमें there आर फाइव positions एंड आउट ऑफ these फाइव वन इज ऑक्यूपाइड by ओ रेस्ट इज ऑक्यूपाइड by बच्चो एच रेस्ट इज occupied by कार्बन दिस रिंग इज कॉल्ड एज फ्यूरा ring क्या बोलते हैं बच्चों इसको ोज रिंग तो रिबोस पायरानोज की फॉर्म में नहीं रहता है किस फॉर्म में रहता है फ्यूरानोज की फॉर्म में रहता है ठीक है बच्चों यस माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर यस स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मेरी यूट्यूब और स्पेशल क्लास फ्री रहती हैं अगर आप थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन चाहते हो डाउट क्लियरिंग सेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको लेना पड़ता है प्लस मेरा प्लस कोर्स भी चल रहा है आप मेरी प्रोफाइल में जाकर मुझे फॉलो करो यार मेरी प्रोफाइल है एनअकेडमी की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है मैम को फॉलो कर लो सो so, रिवर्स शुगर कहां पाई जाती है आर एन ए में सो इट इज आर एन ए शुगर अगर इसी रिबो आर एन ए शुगर में से, सेकेंड कार्बन पर नंबर भी लिख देते हैं इसमें इस सेकेंड कार्बन में से ओ हटा दें बच्चों सेकेंड कार्बन में से ओ हटा दें तो क्या बनेगा यस इफ इसको थोड़ा क्लाउड में लिख लेते हैं ठीक है इफ इफ वी रिमूव ओ फ्रॉम सी टू देन बच्चे क्या बन जाएगा ओ हटा दिया डी ऑक्सी तो वो क्या बन जाएगा डी ऑक्सी रिबोज और डी ऑक्सी रिबोज किसमें पाई जाती है डीएनए में येस बच्चों किसमें पाई जाती है डीएनए में ओके चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए यस सब्सक्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सिंगल टाइम रेड वाला बटन प्रेस करना है आपको सब्सक्रिप्शन ये फ्री है तुम प्लस के लिए रोते रहते हो यहाँ पे तुम्हारी फ्री में पढ़ाई हो रही है इसको तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें मैसेज आता रहे है ना मैसेज आता रहे चलो रिबोज इज ओके मोनोसेकर हमने कर लिए अब मान लो तुम्हें कोई सैंपल दिया जा रहा है सैंपल दिया जा रहा है उसमें बोल रहे हैं कि पहचानो किस्त में है, किस में नहीं है दैट मीन्स टेस्ट फॉर मोनोसेकर नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी टेस्ट फॉर मोनो अगर तुम्हें टेस्ट करना हो मोनोसेकर को तो कैसे करोगे बच्चों एक सोल्यूशन होता है जिसे आप बोलते हो पेलिंग और पेनेडिक्ट सोल्यूशन बीटा डाइन नहीं है बहुत बच्चे बोलते हैं बीटा डाइन बीटा डाइन जो चोट के ऊपर लगाते थे बीटा डीन नहीं है दिस इज फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ठीक है अगर तुमने सैंपल के अंदर ये सॉल्यूशन डाला सैंपल तुम्हें नहीं पता उसमें मोनो है डाई है ट्राई है पॉली है क्या है लेकिन अगर तुमने सैंपल में सोल्यूशन डाला और इसका कलर ब्लू से रेड हो गया दैट मींस उसमें क्या है मोनोसैकेराइड है सो so, यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट मतलब वो शुगर ने क्या कर दिया अपने आप को रिड्यूस कर दिया जो शुगर रिड्यूस कर देती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर अब ऐसा कमाल हुआ कैसे ब्लू कलर रेड में कैसे चेंज हुआ देखो बेनेडिक्ट के पास होता है कॉपर आयंस Cu2 पॉजिटिव अगर तुमने इसमें सैंपल डाला और हीट कर दिया क्या डाला सैंपल डाला और हीट कर दिया हीट करने के बाद अगर ये नीले रंग के कॉपर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव, जो कि है बच्चों लाल रंग का रेड कलर का तो वो शुगर क्या कहलाएगी रिड्यूसिंग अब कैसे रिडक्शन हुई सीयू टू पॉजिटिव से सी पॉजिटिव कैसे पहुंचे कैसे पहुंचोगे बच्चों कंडीशन है इसमें द कंडीशन इज ट सैंपल शुड हैव जो भी तुम सैंपल ले रहे हो सैंपल शुड हैव प्री फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए सैंपल के पास फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल मुफ्त वेला होना चाहिए क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल वेला वेले का मतलब है कि वो किसी के साथ बॉन्ड ना बना ले है ना बिल्कुल आराम करता होना चाहिए कोई बॉन्ड नहीं बनाना आ जाओ देख लो ये देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया था ग्लूकोज बनाया था ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है बताइए मैं दोबारा बताती हूँ स्पैम मत क्या करो मैम एक बार में भी पढ़ लेती हैं ठीक है ठेके? बाकी बच्चों को इन थोड़ा चांस दो लिखने का बताने का ठीक है हाँ जी सवाल है आपसे कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है सी वन सी टू सी थ्री सी फोर बताइए पहले टॉपिक खत्म नहीं होने देते टॉपिक अभी मैंने खत्म किया शुभम तो थोड़ा सा ना अपने होल्ड योर हॉर्सेस बोला जाता है होल्ड योर हॉर्सेस अपने आप को थोड़ा पेशेंस में रखो जब तक लेक्चर खत्म ना होए तब तक तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैम क्या आया क्या नहीं आया लेक्चर को खत्म हो लेने दे क्योंकि मैं बहुत चीजें आपको बाय द एंड बताती हूँ हां जी बताइए बताओ 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 मैंने आपसे पूछा ग्लूकोज का फ़ंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है C1 C2 C3 C4 C1 पे है सबने बता दिया अब क्या ये C1 किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है क्या ये C1 किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है आंसर इज गोइंग टू बी बच्चों नो ये तो क्या है वेला है ये तो क्या है बच्चों सब बच्चे बोलेंगे सी वन तो क्या है वेला है इट इज फ्री फंक्शनल ग्रुप बच्चे क्या कर देगा सी यू टू पॉजिटिव को सीयू पॉजिटिव में रिड्यूस कर देगा इसके साथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन कौन सा टेस्ट देगी पॉजिटिव टेस्ट देगी चलो प्रूव हो गया अब देख लो रिबोज में रिबोज का फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे था हां जी, रिबोज का फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे था रिबोस का फंक्शनल ग्रुप भी किस पे है देखो सी एच ओ ग्रुप किस पे सी वन पे रिबोस का C1 भी क्या है बिल्कुल वेला है। क्या है बिल्कुल वेला है। तो अगर ये भी वेला है, तो सीयू टू पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा सीयू पॉजिटिव में उसके ब्लू कलर को कर देगा रेड में चेंज और ऐसा तो सारी मोनोसेकेराइड के साथ होगा सो ऑल मोनोसेकेराइड ऑल मोनो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर ठीक है सारी की सारी मोनोसेकराइड क्या होंगी रिड्यूसिंग क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है बिल्कुल वेला है ये सरबाज खान वेला है तो हमारे मोनोसेकर हो गए हैं डन अब हम आगे चालू करेंगे अपने ऑलिगोसेकराइड्स नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ओलिगो सैकराइड्स ठीक है ऑलिगो का क्या मतलब होता है ओलिगो का मतलब होता है का मतलब होता है मैनी पहले बात करेंगे फ्यू की फिर बात करेंगे मैनी की ठीक है तो फ्यू वाली सो वेन प्यू शुगर मतलब कितनी अब तुम पूछो मैम कितनी फ्यू दो भी फ्यू होती है थ्री भी फ्यू होती है फोर भी फ्यू होती है तो फ्यू शुगर यहां पर हम लेंगे टू टू नाइन वेन टू टू नाइन शुगर मॉलिक्यूल्स दे कंडेंसेज दे कंडेंस टूगेदर देन दे आर गोइंग टू फॉर्म ठीक है? अब केस ले लो पहला केस हो सकता है कि मान लो दो ही आई दो आई तो क्या कहलाएगा अगर तीन आ गई तो क्या कहलाएगा ट्राई सेकराइड चार आ गई तो बच्चों क्या कहलाएगा टेट्रासेराइड देन बच्चों पेंटा और हेक्सा इस तरीके से आगे बढ़ेंगे राइट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डायसेकर डाई सेकराइड बनाना चालू करें एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज का किसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों ग्लूकोज का ठीक है ग्लूकोज का आ जाओ आ जाओ बच्चों डाई कर रहे हैं ओके मैं कौन से ग्लूकोज ले रही हूं अल्फा ग्लूकोज तो जो मैंने पायरानोज रिंग बनाई थी मैं वही रिंग दोबारा बनाऊंगी ठीक है अल्फा ग्लूकोज ले लिए पायरनोज रिंग बना रहे हैं अपनी ठीक है बताते जाओ मुझे सी वन पे ऊपर क्या है देखो अल्फा ग्लूकोज है अल्फा ग्लूकोज वो है जिसमें सी वन के ओ OH एच कहा है नीचे वाली साइड है तो यहां पर एच ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एंड एच सो दिस इज वन अल्फा ग्लूकोज एक और ले लो यार डाई बनाना है तुमको तुम एक और ले लो ठीक है प्लस कर दो एक और अल्फा ग्लूकोज से सेम बिल्कुल बना दो यहां पर अल्फा ग्लूकोज बना दो ठीक है तो C1 पे बिल्कुल सेम चीज तुम्हें रखनी है H, OH. कितना मजा आता है बना के एच ओ एच तुमको भी बनाना है ओ एच 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 ओ एच हमको लगेगा मैम को क्या हो गया है ना सी एच टू ओ एच एच बना दिया ठीक है बना दिया तो ये भी क्या है एक अल्फा ग्लूकोज़ अब बच्चों इनमें किसका साइन आ गया है प्लस का मतलब ये आपस में क्या करेंगे दोस्ती करेंगे क्या करेंगे बच्चों आपस में दोस्ती करेंगे दोस्ती करने का मतलब है आपस आप में क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे पहले नंबर लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब आपस में बच्चों की क्या करानी है हमको आपस में करानी है इनकी दोस्ती मित्रता दोस्ती कराने के लिए दोस्ती कराने के लिए इनको बनाना पड़ेगा बॉन्ड बॉन्ड में देयर इज गोइंग टू बी कॉन्डेंडेंसेशन में हो जाएगा लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल माइनस एच टू ओ एच टू ओ निकाला ना क्या निकाला बच्चों दो एच और एक ओ माइनस एच टू ओ क्या बचा नीचे क्या बच बच्च? गया बच्चों? So, अपना इस तरीके से मामला बच गया ठीक है ये देखो यस ठीक है नंबर सेम दे रही हूं मैं इधर वाला कौन सा था फाइव ये था बच्चों फोर ये था वन ये है टू यही बचा सब बच्चे बताइए मैंने बाकी बनाया नहीं है बट सेम ही बनेगा यही बच जाएगा यस और नो में बता दो मैम को कम ऑन कम ऑन हां जी निर्मल बता दो यस और नो में क्या यही बचेगा जिसमें के लॉस के बाद बीच में एक बॉन्ड बन गया है ओ के साथ बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या बोलोगे इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ठीक है अब ये बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में बना इसका इस ग्लूकोज का, इस के कार्बन नंबर वन और उस ग्लूकोज के कार्बन नंबर फोर के बीच में बना तो इस बॉन्ड का क्या नाम हो जाएगा क्या नामकरण करें बच्चों इसका इसका नामकरण कर देते हैं इट इज अल्फा वन फोर ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है ये अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वन क्यों आया क्योंकि इस वाले ग्लूकोज का वन कार्बन और उस वाले ग्लूकोज का क्या है कार्बन नंबर फोर अल्फा वन फोर ग्लाइकोसेटिक बॉड चमका के नहीं चमका यस yes, बच्चों बताओ चमक रहा रहा है है चमक रहे अच्छे से हां जी बताओ अल्फा वन फोर ग्लाइकोसेडिक लिंकेज है ये कौन सी लिंकेज है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसेटिक और ये मैंने बनाया क्या है दो अल्फा ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं माल्टोज क्या बनाते हैं बच्चों माल्टोज चलो अब एक सवाल

बताइए 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 क्या ये रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट लगेगा कुछ रट्टा नहीं मारना तुमको कुछ भी रट्टा नहीं मारना यहां से देख के मैं बता सकती हूं इज इट रिड्यूसिंग और इज इट नॉन रिड्यूसिंग हां जी बताओ yes ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना नेगेटिव टेस्ट वो बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो जाए yes, वो बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो जाए और जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए तालियां बजाए है ना क्योंकि जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने सही जवाब दिया है द करेक्ट आंसर इज तुम देखो दिस इज लेफ्ट साइड ये कौन सी साइड है लेफ्ट साइड दिस इज एल एच एस तुम्हें मैथ्स की तरह समझाना पड़ेगा दिस इज एल एच एस एंड दिस इज आर एच एस ठीक है LHS वाली ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या फ्री है या फिर बिजी है LHS वाली ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई बिजी है वेला नहीं है तो ये वाला एंड तो क्या हो गया नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया ये वाला एंड क्या हो गया नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया लेकिन जब तू बातें हो RHS पे राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड वाली ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या वेला है या फिर बिजी है यहां से तुम्हें पता चला कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप तो वेला है कार्बन वन तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा रेड्यूसिंग एंड हो जाएगा तो जब टोटल में हम देखते हैं एक एंड नॉन रिड्यूसिंग एक एंड रेड्यूसिंग तो ये टेस्ट क्या देगा आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा ठीक है सो मॉल्टोज इज ऑल्सो ऑन रिड्यूसिंग शुगर तो क्या है बच्चों मोल्टोज रिड्यूसिंग है ये वाला एंड तो नॉन रिड्यूसिंग है बट ये वाला तो रिड्यूसिंग है ना ये उसके सी टू पॉजिटिव को सी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा रेड कलर में हो जाएगा ठीक है ब्लू कलर किस में हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो जाएगा इज दिस क्लियर माय डियर चिल्ड्रन ठीक है तो ये हो गया रिड्यूसिंग अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में बात करनी है अदर एग्जांपल्स ऑफ लेट अस टॉक अबाउट सुक्रोज सुक्रोज, शर्करा किसकी बात करेंगे हम सुक्रोज की बात करेंगे सुक्रोज बच्चे वो है जो बनती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किसके जुड़ने से बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और याद रखना है मेरे बच्चों ये तुम्हारे पास सवाल आएगा ही आएगा क्या ये रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है इट इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग डाइसेराइड होने के बावजूद भी क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि देखो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास कीटोन ग्रुप है इसका group, इसके के साथ क्या करता है? मित्रता करता है है मित्रता बॉन्ड बनाता है तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप बिजी दोनों बिजी बिजी आपस में और बिजी हो गए हैं यस बच्चों ठीक है एंड द लिंकेज बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है बस तुम लिख लो लिंकेज क्या है बीटा वन फोर एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड लास्ट स्टेबल शुगर क्या है सुक्रोज इट इज ऑल्सो कोल्ड लास्ट स्टेबल शुगर ठीक है तो ये एग्जाम्पल हो गई आपकी डाय सेकर इसके बाद बच्चों हम आ जाएंगे आपके ट्राई सेकराइड पर एग्जाम्पल इज रेफिनोज क्या एग्जाम्पल रहेगी रैफिनोज सो so, लिख लो बस नाम लिख लो फिर पॉली पे आ जाएंगे ट्राई सेकराइड एग्जाम्पल इज रेफिनोज ठीक है बस अब टेट्रा और आगे इतनी बात नहीं करेंगे अब सीधा आ जाते हैं अपने अगले पर अगला क्या रहेगा आपका पॉलीसेकराइड लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज गोइंग टू बी पॉलीसेकराइड हां जी बताओ बताइए बताइए हाँ यस 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 अल्फा वन बीटा टू मैंने लैक्टोज का लिख दिया ओ हो बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक अल्फा वन बीटा टू सही कहे हैं सही कहे हैं सही कहे हैं लैक्टोज का लिख दिया था यस द बॉन्डिंग इन दिस केस इज गोइंग टू बी अल्फा वन बीटा टू एब्सोल्युटली अल्फा वन एंड बीटा टू तो अल्फा वन पर हमारी ग्लूकोज का एल्डिहाइड है बीटा टू पर हमारी फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप है दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बिजी हैं, बिजी हैं तो क्या है ये नॉन रिड्यूसिंग है अगर आपको आ जाए मिल्क शुगर का लैक्टोज का तो लैक्टोज में आप लिख लो बीटा वन फोर लैक्टोस की जो बॉन्डिंग है दैट इज बीटा वन फोर बिल्कुल ठीक बच्चों ठीक है चलो अब आ जाए पॉलीसेकेराइड पे यस बच्चों यस अभिनव शर्मा शर्मा पॉलीसेकेराइड पे पॉलीसेकेराइड बच्चे वो है जिसमें मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं क्या है मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स दे आर कंडेंसिंग टू फॉर्म अ पॉलीसेकेराइड मतलब नौ से ज्यादा नौ से ज्यादा कितना सौ दो सौ दो हजार तीस हजार कितना भी हो सकता है बीस हजार टू लैक्स एनीथिंग कुड बी देयर सो उसको आप बोलोगे पॉलीसेकेराइड अब आपको जरूरत ही क्या है तुमने बोला कि यार मैं अपनी बॉडी में जब स्टार्च को खाता हूं तो स्टार्च को खाकर मैं उसका ग्लूकोज बना लेता हूं है ना बना लेते हो तुम लोग ग्लूकोज तो उस ग्लूकोज को मैं ग्लूकोज में रख लेता हूं व्हाई टू डू दिस मच एफर्ट कि उसको ग्लाइकोजन बना रहे हां जी बताओ बताओ बच्चों बिल्कुल ठीक है एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया क्यों इतना एफर्ट करना उसको पॉली में कन्वर्ट करने में क्यों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाएं बच्चों क्यों बनाएं क्योंकि बच्चों क्योंकि ये जो है, ये होते हैं ऑस्मोटिकली इनएक्टिव ऑस्मोटिकली इनएक्टिव ठीक है ये क्या होते हैं बच्चों नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव तो ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं यस अननोन बॉय ये आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंटरफेयर नहीं करते हैं सो नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ बच्चे पॉलीसेकेराइड दो तरीके के हो सकते हैं पहला कैटेगरी इज गोइंग टू बी द वन अगर एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड जुड़ के पॉलीसेकेराइड बना रहा है इफ अ सिंपल टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनो इज ज्वाइनिंग 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 मान लो तुम्हारी क्लास में तुम्हारी क्लास में टीचर टीचर फॉर एग्जांपल किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज में लेना होता है जैसे आपके स्कूल में डांस होता है सिंगिंग होती है ड्रामा होता है इंस्ट्रूमेंट uh, वाला आइटम होता है है ना मैजिक शो होता है अगर एक टीचर एक के साथ पार्शल हो जाए मान लो एक के साथ पार्शल हो जाए किसके साथ पार्शल हो जाए यस yes. टेकोटेक्स के साथ पार्शल हो जाए वो कहीं मैं डांस में भी टेकोटेक्स को लूंगा और सिंगिंग uh, में भी इसी को लूंगा ड्रामा में भी इसी को लूंगा एंड uh, अपना जो मैजिक करना है उसी में भी हम टेकोटेक्स को ले लेंगे तो वही चीज है यहां पर सो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीसेकराइड इज कॉल्ड एज होमो है बच्चों पहली टाइप दैट इज होमो होमो पॉलीसेकेराइड बच्चों वो होगा जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेकराइड होगा सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर अगर सिमिलर टाइप का मोनोमर ही जुड़ रहा है बार 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 है ना बार बार देखो ग्लूकोज 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 फ्रोक्टोस फ्रोक्टोस फ्रक्टोस फ्रोक्टोस फ्रोक्टोस उसको बोलोगे होमोपॉलीसेकेराइड दूसरा होता है बच्चों पॉलीसेकेराइड हेटेरोपोलीसेराइड नाम से क्लियर है Hetero मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट अगर जुड़े तो वो क्या बनाएंगे बच्चों हेटेरोपोलीइड एग्जाम्पल ऑफ होमो इज गोइंग टू बी योर स्टार्च इट इज गोइंग टू बी योर सेल्युलोज़ इट इज गोइंग टू बी योर ग्लाइकोजन ठीक है एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपोलीसेराइड इट इज गोइंग टू बी पेप्टिडोग्लाइकन ये ये सब क्या है? ये सब क्या क्या बच्चों आपके हैं। इज दिस क्लियर अब ये तो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मोनोमर देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन इसको बाद में करते हैं वापस आएंगे इस पर वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकराइड जिसमें से क्वेश्चन आता है जिसमें से बच्चों सवाल आते हैं सबसे पहला रहेगा आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन से स्ट्रक्चरल दूसरे रहेंगे आपके स्टोरेज कौन से रहेंगे बच्चों आपके स्टोरेज एक और भी होता है म्यूसिलेजेस भी होते हैं बट ठीक है स्ट्रक्चरल बच्चे ऐसा जो सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है क्या बना रहा है फॉर्म बनाने में हेल्प कर रहा है स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर स्टार्च नो नो गोइंग टू योर है ना क्या एग्जाम्पल रहेगी स्ट्रक्चरल की स्ट्रक्चरल की एग्जाम्पल क्या रहेगी बच्चों आपका सेल्युलस है ना प्लांट सेल वॉल बनाता है अनादर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी काइटिन फंगल सेल वॉल बनाता है तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं और जो पॉलीमर आपके स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं जैसे प्लांट्स में अगर स्टोरेज की बात करें तो प्लांट्स में स्टोरेज की बात हो जाएगी बच्चों इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है ना अनादर स्टोरेज फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है अनदर स्टोरेज फॉर्म इज इन्युल यस बच्चों क्लियर है क्लियर है स्ट्रक्चरल कौन है और आपका स्टोरेज कौन है याद रहेगा कुछ ऐसे रट्टे नहीं मारने हैं जो सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा, बना रहा है वो स्ट्रक्चर बनाने रहे और काइटेन जो बच्चे आपका कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है स्टार्च ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजे क्या बोल दोगे तुम स्टोरेज पॉलीमर वन वन बाय थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में भी लेट एस स्टार्ट विथ स्टार्च किससे स्टार्ट करते हैं स्टार्च नाउ स्टार्च इज अ काइंड ऑफ ग्लूकैन क्या है बच्चों ये ग्लूखैन ग्लूखैन मतलब इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या होने वाला है ग्लूकोज क्या है बच्चों ये ग्लूकैन मोनोमेरिक यूनिट क्या है ग्लूकोज एंड इट इज एक्चुअली द पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज किसका पॉलीमर है एल्फा ग्लूकोज तो बच्चे ये होमोपोलीसेराइड हुआ हेटरो बताओ बताइए बताइए इज इट होमोपोलीसेराइड और हेटरो बस फ्यूचर डॉक्टर लिली लिखना ही है सबके बारे में बाकी डन है अपना काम क्या है डन है डन है तो स्टार्च क्या है एक होमोपोलीसेराइड है तुम लोगों की ना अभी तुम बोल रहे थे कि मैम डेढ़ घंटा पढ़ाना और अभी बोल रहे हो कि मैडम जी बस करो हम थक गए थक नहीं गए बच्चों अपनी लिमिट्स को पुश करो ठीक है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलो पेक्टिन ठीक है दो फॉर्म में स्टार्च एग्जिस्ट करता है अमाइलोज बोलते हो जो कि स्ट्रेट चेन में फॉर्म के फॉर्म में होता है ठीक है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन ठीक है अमाइलो पेक्टिन में ब्रांचिंग होती है ठीक है जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें बॉन्ड क्या रहेगा एल्फा वन फोर बॉन्ड जिसमें ब्रांचिंग है बच्चों उसमें बॉन्ड बॉन्ड क्या रहेगा एंड यस yes बच्चों ये बना हुआ था आपका स्टार्च ग्लाइकोजन भी ऐसा दिखता है सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोजन विच इज अ ब्रांस पॉलीमर क्या है बच्चों ये ब्रांच पॉलीमर है देख रहे हो ब्रांश पॉलीमर है किसका पॉलीमर है बच्चों ग्लाइकोजन मैं यहीं पे लिख देती हूं किसका है ग्लूकोज का पॉलीमर है सो इट इज ऑल्सो अ ग्लूकैन ठीक है एल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है एंड ग्लाइकोजन बच्चे इट एक्ट एज स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ एनिमल्स है ना हमारे में स्टोर्ड फूड का, का काम करता है बनाता कौन है लिवर स्टोर कौन करता है इसको लिवर और मसल्स दोनों स्टोर कर सकते हैं तो देख रहे हो बच्चों ये है आपकी स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन में जो बॉन्डिंग है दिस इज वन फोर एल्फा वन फोर ठीक है इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ के साथ जुड़ रहा है और ये है बच्चों ब्रांचिंग ब्रांचिंग ठीक है branching में जो बॉन्डिंग रहेगी दैट इज गोइंग टू बी एल्फा वन सिक्स बॉन्डिंग तो ये बात होगी बच्चों आपके ग्लाइकोजन की विच इज अ ब्रांच पॉलीमर देन बच्चों में आपको स्टार्च बता रही थी स्टार्च में भी माइलोपेक्टिन ब्रांच है प्लस बच्चों इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन किसके साथ कलर देता है आयोडीन? क्योंकि आयोडीन बच्चे इस स्टार्च के हेलिक्स में क्या हो जाता है ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे स्टार्च के हेलिक्स में? ट्रैप हो जाता है चलिए आगे चलते नेक्स्ट वन स्टार्च के बाद बच्चों ग्लाइकोजन के बारे में बात हो गई है आगे बात करते हैं एक और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है दैट इज इन्यूलिन इन्यूलिन इज अकटैन क्या है बच्चों ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है किसका बच्चों फ्रक्टोज का पॉलीमर है ये नितिन पांडे है. नितिन पांडे पांडे अब आ रहे हैं हम बिल्कुल अंत में पहुंच चुके है. कोई बात नहीं इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं जो तुम्हारे तुम अच्छे सीख लोगे इनुलिन बच्चे प्रकटोज का पॉलीमर है इसीलिए फ्रक्टान है प्लस बच्चे इट इज यूज टू चेक यूज टू चेक किडनी फंक्शन ठीक है आपकी किडनी सही सलामत काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है कौन देखेगा इन्यूलिन देखेगा क्यों ये देखेगा बिकॉज दिसबोलाइज बाय बॉडी ना एब होती ना मेटाबोलाइज होती तो किडनी का अगर फिल्ट्रेशन सही है जीएफआर सही है तो इन्युल को यूरिन में आना चाहिए अगर इन्युल यूरिन में नहीं आया दैट मीनस किडनी क्या कर रही है गड़बड़ कर रही है तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग चेक करने के लिए क्या यूज करते हो बच्चे आप इन्यूलेन नेक्स्ट आता है आपका सेल्युलोस सेल्यूलोस अच्छा सेल्युलस क्या बनाता है प्लांट की सेल वॉल है ना और क्या बनाता है सेल्युलोज से ही बनता है आपका कागज सेल्यूलोस से ही बनता है बच्चों आपका कॉटन सेल्यूलोस से ही बनता है आर्टिफिशियल सिल्क क्या बनता है बच्चों आर्टिफिशियल सिल्क तो फैब्रिक हो गया आर्टिफिशियल सिल्क हो गया प्लांट की सेल सेलबॉल होगी कौन बना देगा आपका सेल्यूलोस कौन बनाएगा बच्चों आपका सेल्यूलोस ये जो सेल्यूलोस है बच्चे ये भी किसका पॉलीमर है ग्लूकोज का सो इट इज ऑल्सो ग्लूकैन लेकिन किस ग्लूकोज का पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज ठीक है किस ग्लूकोज का पॉलीमर है बच्चों नॉट अल्फा इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड इट इज अनब्रांश कोई ब्रांचिंग नहीं है ठीक है इट इज अनब्रांश प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल ठीक है इसी से क्या बनेगा आर्टिफिशियल सेल एंड फैब्रिक आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन से बनेगा एंड बच्चों आपका कॉटन का फैब्रिक यस yes बच्चों ठीक है ठीक है एक और यार कॉकरोच के बारे में तो बात ही नहीं की कॉकरोच की बात करनी डीपीपी भी रेडी है बट मैं कराऊंगी नहीं तुम टेंशन लो कॉकरोच के बारे में बात कर लो बस यहां पर हां जी चलिए द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन कौन बनाता है कौन बनाता है बच्चों काइटिन ठीक है काइटिन भी एक क्या है होमोपोलीसेराइड क्या है ये होमोपोलीसेराइड किसका इसका मोनोमेरिक यूनिट है एनएसिटाइल ग्लू कोसाम ठीक है एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन जिसको आप कैसे याद रखोगे नाग बच्चों क्या है ये नाग है ठीक है होमो पॉलिसेकरइड एनएसिटाइज ग्लूकोसामीन इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चुरल पॉलीसेकेराइड और ये बनाता है एग्जोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा ठीक है और क्या बनाता है पंगल सेल वॉल बस यही याद करना पड़ेगा पंगल सेल वॉल देखो कार्बोहाइड्रेट ना सबसे बड़ा आपका बायोमोलिक्यूल uh, है बाकी सब छोटे छोटे हैं यस बच्चों क्लियर है क्लियर yes, है सो विद दिस वी आर डन विद अमेजिंग सेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मैंने आपको एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स में हमने कितनी सारी अमेजिंग चीजें करी हैं कि इनऑर्गेनिक कौन है ऑर्गेनिक कौन है मोनोसेकर डायसेकेड पॉलीसेकेराइड ऑलिगोसेकराइड एवरीथिंग वी हैड Discussed. DPP के के सवाल सवाल फिर मैं आपको आपको में 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 करा करा नहीं 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 करना देखना देखना बच्चों ठीक है देखना नहीं। DPP के सवाल आपको करा देंगे हम special class में. Special class में पहुंचना कैसे है बच्चों स्पेशल क्लास होती है अन अकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे अन अकेडमी डॉट कॉम पे आप मैम को ढूंढ सकते हो माई ने सीपा इफ विल सर्च मी विद दिस मैं मिल जाऊंगी मुझे क्या कर लेना फॉलो

हाथ से प्रैक्टिस करना और होमवर्क जो दिया है वो याद रखना क्या होमवर्क दिया मैंने टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा बीटाज एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे t .me इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारे बैचेस हमारे नए स्टार्ट हो रहे हैं स्टेप अप अर्ली राइज नीट लक्ष्य बैच इन सब में आप एनरोल कर सकते हो प्लस मैम की पर्सनल प्लस कोर्स मेरा जो चल रहा है उसमें आप एनरोल कर सकते हो कैसे एनरोल करना है सिर्फ आपको एक कोड लगाना है कोड इज सीप लाइफ ठीक है बच्चों क्या कोड लगाओगे सीप प्लाइफ सीप पाइव कोड से क्या बेनिफिट होगा 10% ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट अब कोर्स कौन सा ले बच्चों कोर्स वो लो जिसमें तुम्हारा सिलेबस पूरा होता है तीन महीने और एक और एक महीने वाला तो नीट का सिलेबस ही नहीं है प्लस बच्चों अभी पेपर होने में छह महीने बचे हैं क्योंकि दो बारी पेपर होना है तो सिक्स मंथ मिनिमम है देन बच्चे वन ईयर अगर आप ट्वेल्थ में हो अगर आप इलेवेंथ में हो तो टू ईयर का कोर्स लीजिए सबसे कम अमाउंट भी इनका है मैम के प्लस कोर्सेज हो सकता है आपको किसी बैच में ना दिखे लेकिन मेरे प्लस कोर्सेज मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो एब्सोल्युटली आराम से दिख जाएंगे कोड तुम यूज करना सीप लाइफ अगर आपको मेरी टीचिंग क्या लगती है अच्छी लगती है और प्लस टेन परसेंट ऑफ भी मिलता है ना एंड ये टेन परसेंट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिस टेन परसेंट ऑफ इज ओनली फॉर फेब्ररी ठीक है ओनली फॉर फेब्रवरी वंस यू विल एंटर इन टू मार्च बचो जब आप मार्च में एंट्री मारोगे ना तो डिस्काउंट कम हो जाएगा तभी डिस्काउंट सिर्फ कितना बचेगा फाइव परसेंट ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको भी लेना है वो इसी मंथ में प्लान करना क्योंकि 10% परसेंट ऑफ आपका सिर्फ फेब्रुवरी में है अब बच्चों को डाउट रहते हैं कि मैम क्या सीप लाइफ कोड यूज करने से सिर्फ सीप मैम की क्लासेस देखेंगे नो no. ये कोड यूज करने से आप जितने भी टीचर्स हैं अन पे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी जितने भी टीचर्स हैं सबका क्लास देख सकते हो सबका जितनी बारी देखना चाहो उतना देख सकते हो ठीक है सो दिस इज अ कोड फॉर द होल ऑफ द सब्सक्रिप्शन पूरा पैकेज है इसमें इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है इसमें सिर्फ मैं नहीं हूं सारे सब्जेक्ट सारे कोर्सेज इलेवन ट्वेल्थ क्रैश सारे कोर्सेज आपको इस कोड से अवेल कर सकते हो ठीक है इस कोड से आप अवेल कर सकते हो एक और सब्सक्रिप्शन है बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट तो मिलते ही है लेकिन बच्चों एक आपको मिलता है बंदा साथ में ठीक है एक मिलता है आपको मेंटोर कौन मिलता है बच्चों मेंटोर छोटे you छोटे डाउट स्टडी प्लानर बनाना स्ट्रेटेजी बनाना करना। इस सारे काम कौन करेगा आपका यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हो मैम लाइफ को जोलॉजी ऑल द कोर्सेज चाहे इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ किसी भी क्लास में हो सब कुछ अवेल कर सकते हो सिक्स मंथ से लेकर वन ईयर टू ईयर सारे कोर्सेज अवेलेबल है बस आपको एक कोड यूज करना है जिससे आपको बेनिफिट होगा

टैग करो मुझे आई एम अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स क्या यूज करना, करना है आपने #neetmanthan एंड #crackneetwithseetmaam क्या यूज करना है बच्चे दो हैशटैग यूज करने हैं #neetmanthan और #crackneetwithseetmaam यस yes बच्चों ठीक है अब एक छोटी सी क्विज आज आपकी स्पेशल क्लास तो नहीं है तो एक छोटी सी क्विज मैं कराऊंगी अगर ये चल जाता है तो रुक जाओ यस yes. तो सब बच्चे अन अकेडमी की लर्निंग एप में जाइए लर्निंग एप में जाइए मैं बायोमोलिक्यूल्स के छोटी सी क्विज करा रही हूं कोड यूज करना है फ्री क्विज है सबके लिए टेन क्वेश्चन नहीं ट्वेंटी तो ही लो है ना सो इट इज गोइंग टू बीज ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी सेकंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज ऑन अनिंग ऐप कोड आपके सामने है कोड इज बचो थ्री सिक्सटी टू ठीक है थ्री सिक्सटी टू टू फोर्टी नाइन तो ये कोड यूज करके सब बच्चे पहुंच जाओ अन अकेडमी के ऐप पर ये कोड फैला दो अपने चैट सेक्शन में हां जी चैट सेक्शन में बच्चों आ जाओ अर्जुन अमेठी हाँ जी मैं ही पढ़ाऊंगी बिल्कुल इंटायर बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी इनफैक्ट आपको पता नहीं है ये चीज बट ये बहुत जल्दी आने वाली है सो हैश टैग नीट मंथन करके सिलेबस अपना होमवर्क मुझे दिखाना है टैग करना है आज का सेशन कैसा लगा है उसको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है आई पर्सनली रीड ऑल द कॉमेंट्स एंड डू ज्वाइन दिस क्विज विच विल रन ऑन अन अकेडमी ऐप इस तरीके से दिखेगा ऐप में जाओ और टेस्ट में क्लिक करो टेस्ट में क्लिक करोगे तो आगे क्या आ जाएगा ज्वाइन क्वेज ठीक है क्विज को ज्वाइन कर लो कोड आपका रहेगा यही है ना हाँ भेज दो इसको थैंक यू मयूर थैंक यू थैंक यू यस मेरी प्रोफाइल में जाओ अमन मेरी प्रोफाइल में मिलेंगे कोर्स ठीक है प्रोफाइल में सिक्स फिफ्टीन का टाइम है सोनू रॉक बट आज ये क्विज होने वाली है उसकी जगह आज ये वाली क्विज होने वाली है फटाफट ज्वाइन करो

राइट एंड थैंक यू सो मच कल हम करेंगे प्रोटीन अमाइनो एसिड और प्रोटीन होमवर्क जरूर करना टैग जरूर करना दोनों टैग तुमको पता है एंड कोड मैं दोबारा लिख देती हूँ सेशन के खत्म होते ही, चालू हो जाएगी थर्टी सिक्स ट्वेंटी टू फोर्टी नाइन यू विल रिसीव पी डी एफ ऑफ दिस एनोटेटेड सेशन ऑन टेलीग्राम तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है बच्चों चलिए मिलते हैं कल विद Proteins as well as amino acids. Bye bye, guys. Take care and join the quiz. I'm going to start. Bye.